अच्छा, हाउस बिल में शेतवान ना जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आवाज आ रही है मेरी? कुछ प्रैक्टिकल के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आपके इंस्ट्रक्टर हसनैन, और बाकी रिएक्ट के लिए स्पेशली कुछ चीज़ें अभी हम शुरू करेंगे। लेकिन अगेन वही बात है कि जब तक हमारी बेसिक्स क्लियर नहीं है, हम रिएक्ट को प्रॉपर नहीं स्टार्ट कर सकेंगे। तो एक मैं गो थ्रू करने जा रहा हूँ, और ये तो स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए अब तक जो हमने चीज़ें सारी सीख ली हैं। तो बेसिकली इसमें जो हम लोगों ने काम करना है वो फ्रंट एंड के लिए HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap, JQuery और React JS, और बैक एंड के लिए Express JS, Node JS, MongoDB और कुछ बैक एंड फ्रेमवर्क भी हम कर सकते हैं लाइक ASP.NET, लेकिन वो ASP.NET कोर्स का हिस्सा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर दे दिया गया। जो बेसिकली जो ये पहले भी बताया जा चुका है कि नोड जेएस और मंगो डीबी और एक्सप्रेस ये बैकएंड साइड पे यूज होती है रिएक्ट मान स्टैक के अंदर। ये स्लाइड वैसे ऑलरेडी मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन अब प्रॉपर हम रिएक्ट को स्टार्ट करने से पहले एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए बेसिकली इसका एजेंडा क्या होता है, इसका यूजेज इसके क्या होते हैं, उसमें आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है कि डिफरेंट किस्म की इंडस्ट्री में फ्रंट एंड और बैक एंड की एप्लीकेशन बनाने में यूज़ होता है, स्पेशली फॉर क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस। तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस जी, अब आपको आवाज़ आ रही है? ओके, तो क्रॉस प्लेटफॉर्म वेब एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? ऐसी एप्लीकेशंस या ऐसे सॉफ्टवेयर जो किसी भी टूल्स के ऊपर चल जाए, किसी भी वेब बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चल जाएँ। लाइक अगर आप कोई एप्लीकेशन बनाना चाहते हो एंड्रॉयड के लिए या iOS के लिए बनाना चाहते हो या विंडोज़ के लिए बनाना चाहते हो, तो ये क्रॉस प्लेट एप्लीकेशंस डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर चल सकती हैं। तो अगर आप मर्ज चेक पे काम करोगे तो आपको डिफरेंट किस्म की सेपरेट सेपरेट एप्लीकेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्लेटफॉर्म के हिसाब से आपको एक कंबाइन एक ही एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी, और वही मुख्तलिफ कन्वर्जन टूल्स की मदद से आप कन्वर्ट करके iOS के ऊपर और एंड्रॉयड के ऊपर चला सकते हो। तो वेबसाइट और वेब पेज बनाने का तरीका आप ऑलरेडी सीख चुके हो, हम चूंकि अभी रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये पहले भी देख लिया कि फ्रंट एंड हमारा HTML, CSS, JavaScript, बूटस्ट्रैप वगैरह के ऊपर बनता है, और जो बैक एंड है वो हमारा MongoDB, Express, React और Node.js की मदद से बन सकता है। रिएक्ट है इसके अंदर हम फ्रंट एंड के ऊपर काम करते हैं। तो ये स्लाइड्स हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, प्रेजेंट कर चुके हैं, एक दफ़ा गो थ्रू कर रहा हूँ। तो बैक एंड के लिए कुछ और भी टूल्स यूज हो सकते हैं जैसे PHP वगैरह, ASP.NET वगैरह, लेकिन अगर आप प्योरली मन स्टैक के ऊपर काम करना चाहते हैं तो फिर आपको एक्सप्रेस जेएस, नोड जेएस और मोंगो डीबी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो मन स्टैक में जो डिफरेंट स्टैक्स होते हैं, मन स्टैक इसलिए कहते हैं कि इसके थ्री स्टैक्स हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट जिसमें HTML, CSS, JavaScript और बूटस्ट्रैप होगी, और बेसिकली हम सारा कुछ मैनेज कर रहा होगा रिएक्ट जेएस, और ये रिएक्ट जो है वो अपनी तमाम कम्युनिकेशन कर रहा होगा पीछे बैकएंड के साथ जो कि एक्सप्रेस का फ्रेमवर्क है उसके साथ, और एक्सप्रेस जो है वो बेसिकली नोड जेएस के वेब सर्वर के ऊपर रन होता है। नोड जेएस एक वेब सर्वर यानी एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टू सर्व द वेब, और जिसमें आपकी मोंगूज जो कि डेटाबेस के तौर पर यूज होती है, ये एक फ्रेमवर्क है जो कि डेटाबेस यानी MongoDB के साथ कम्युनिकेट करता है। तो वो थर्ड टीयर है, थर्ड स्टैक है। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, हम बेसिकली कोई भी आप ऐप बना सकते हो रिएक्ट की मदद से या .NET की मदद से, उसको आप कनेक्ट कर सकते हो अपनी रिएक्ट के साथ। तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जो ज़्यादातर जो हम काम कर रहे हैं आजकल वो ये फ्रेमवर्क्स हैं HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap और रिएक्ट। तो कुछ टेम्पलेट्स हैं जो ऑलरेडी हम मैं बता चुका हूँ कि हम अपने इन फ्रेमवर्क की मदद से बहुत ही अट्रैक्टिव किस्म के फ्रेमवर्क्स बना सकते टेम्पलेट्स बना सकते हैं HTML की मदद से, नॉट अलोन फ्रॉम HTML, बट हमारे पास CSS का भी आइडिया हो गया है, जावास्क्रिप्ट का भी आइडिया हो गया, और बूटस्ट्रैप को भी आपने एक्सप्लोर किया है। अगर नहीं किया तो आगे चल के मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ। उसके बाद रिएक्ट, तो HTML के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, HTML के टैग्स पढ़ चुके हो, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा रिवीजन है जो बच्चे अभी तक, कुछ नए बच्चे भी आए हुए हैं तो वो भी ज़रा समझ लें। और HTML का बेसिक स्ट्रक्चर आप सीख चुके हो, आप डिफरेंट किस्म के टैग सीख चुके हो, पैराग्राफ्स के बारे में सीख चुके हो, HTML की फॉर्मेटिंग डिफरेंट किस्म के टैग से हम कर सकते हैं,
और यहाँ पे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि हम HTML के हर टैग्स के लिए क्या करते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सेट करते हैं जिनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लास सेट करना, आईडी सेट करना, तो मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं जैसे क्लास टाइटल, HRF IDs वगैरह, सोर्स, ऑल्ट, हाइट, विड्थ, ये सब एट्रीब्यूट्स हैं। ये भी आपको बताया जा चुका है कि ब्लॉक लेवल पे एलिमेंट्स जो होते हैं ये टॉप टू द बॉटम रन होते हैं, जैसे राइट साइड पे आपको दिखाया जा रहा है, और एलिमेंट इन लाइन में आप हॉरिजेंटली अलाइन हो जाते हैं आपके एलिमेंट्स। आपने अपनी इमेजेस कैसे इंसर्ट करनी है, लिंक्स कैसे चलाने हैं, यू मस्ट नो अबाउट इट, क्योंकि ये चीज़ पढ़ा दी गई है। सिमिलरली अगर आपने टेबल्स टेबल्स बनाने हैं तो टेबल के लिए आप कौन सा टैग यूज करते हो, उसकी रो कॉलम्स मर्ज वगैरह कैसे करते हो, ये सारी चीज़ें देख चुके हैं। ये एक सैम्पल सा टेबल है जिसके अंदर आप टेबल और TR वगैरह इंसर्ट करके दिखा सकते हो। उसके बाद लिस्टिंग कैसे इंसर्ट करवाते हैं, लिस्टिंग के लिए आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आ जाती हैं, और इसका पर्पस भी आपको पता चल गया कि टू डू लिस्ट है लाइक, तो उसमें आपकी लिस्ट सारी शो होनी चाहिए। फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स में आपको इनपुट्स के भी पता चल गया, सिलेक्ट ऑप्शन, किस तरह से हम फॉर्म पूरा फिल करते हैं, उनकी इनपुट टाइप्स क्या होती हैं, इस पर हम डिटेल बात कर चुके हैं। कुछ मीडिया एलिमेंट्स हैं जो हम अपनी वेबसाइट के अंदर लगाते हैं, लाइक ऑडियो, वीडियो, iframe, सोर्स, इन तमाम के टैग्स मौजूद हैं। जस्ट ये टैग्स आपको दिए गए हैं, ये यूज़ करें तो आपकी वीडियो चल जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिविजन फॉर फ्रंट एंड। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट हमारी जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, नेक्स्ट स्लाइड है, वो है अबाउट सम फ्रेमवर्क्स। अब अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क्स क्या होते हैं, अब ये कुछ थोड़ा सा स्टफ नया मिलेगा आपको। मिसाल के तौर पे अभी आप लोगों ने लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में ये देखा कि CSS को हम कैसे यूज करके अपनी वेबसाइट का टेम्पलेट बना सकते हैं। तो कितने लोगों ने CSS पे काम कर लिया हुआ है, माशाल्लाह क्लास को तो आइडिया होगा, शाबाश। तो CSS पे काम करना इट्स बिट टाइम कंज्यूमिंग है एज वेल। अगर आप CSS पे काम करते हो तो आपको एक एक एलिमेंट पकड़ के उसकी प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी, एक एक एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम करना पड़ता है, जिससे क्या हो जाता है, काम लंबा भी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए CSS के फ्रेमवर्क्स, बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं, उसमें से वन ऑफ द बिग नेम इज बूटस्ट्रैप। तो बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क के बारे में कितने लोगों ने सुना हुआ है, ओनली फ्यू ऑफ पीपल। तो बूटस्ट्रैप जो है बेसिकली एक ट्विटर कंपनी है जिन्होंने डेवलपर्स की आसानी के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म के अंदर CSS की लाइब्रेरी बना के रख दी है। अब CSS की लाइब्रेरी से क्या मुराद, CSS की लाइब्रेरी से मुराद ये है कि आपको एक्सटर्नल CSS विद ऑल टाइप्स ऑफ नेसेसरी रिक्वायरमेंट क्लासेस बना के उसमें रख दी गई हैं, और उनको आप यूज़ करते हो उन क्लासेस को। ये ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने कैसे सीखा था कि एक्सटर्नल CSS को हम किस टैग की मदद से इंक्लूड करते हैं अपने HTML में, लिंक के थ्रू। तो बस ये भी लिंक के थ्रू इंक्लूड हो जाता है और सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाती हैं। अब इसके अंदर क्या होती हैं, तीन चीजें होती हैं बूटस्ट्रैप के अंदर, आगे चल के देखते हैं। एक उसका लेआउट, क्या लेआउट, लेआउट को हम किस तरह से मैनेज करते हैं, लेआउट को हम ग्रिड्स के थ्रू मैनेज करते हैं। तो इसमें लेआउट के अंदर आप ग्रिड सीखते हैं, ग्रिड सिस्टम। ग्रिड सिस्टम क्या है, मिसाल के तौर पे जैसे कोई भी आप पेज बना रहे हैं तो इसमें कितने कॉलम्स, कितनी रोज बनेंगी और उनमें स्पेसेस कितनी होंगी, उनका अरेंजमेंट क्या होगा, इसको हम लेआउट कहते हैं। तो बूटस्ट्रैप आपको बहुत ही आसान तरीके से लेआउट मैनेजमेंट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जो दूसरी चीज़ इसके अंदर है वो है इसके कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या होते हैं, लेट्स से आपने एक पूरा वेब पेज का स्ट्रक्चर बना लिया, आप उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ों की जरूरत है, यानी रेडीमेड सॉल्यूशंस अवेलेबल है। जैसे नेविगेशन बार इज अ कंपोनेंट, एक बैनर है, स्लाइड शो है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें आपका कंटेंट स्लाइड हो रहा होता है, ये कंपोनेंट है। कैरोसेल, इसको क्या कहते हैं, कैरोसेल। इसके अलावा टैब्स हैं, नेविगेशन बार्स हैं, पेल्स हैं, मुख्तलिफ किस्म की जो गैजेट्स हैं वो सारे के सारे इसमें बने बनाए मौजूद हैं। आपने जस्ट उनका स्निपेट कॉपी पेस्ट करना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन में मौजूद है, अभी मैं आपको एक्सप्लोर भी करवा देता हूँ, समझा भी देता हूँ। तो बूटस्ट्रैप को हम इंक्लूड करके उसके ग्रिड में भी काम कर सकते हैं, उसके हम लेआउट में भी काम कर सकते हैं और उसके कंपोनेंट में भी काम कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ बूटस्ट्रैप के अंदर ये आ जाती है कि आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर आप बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हो और तमाम बच्चे बूटस्ट्रैप 5 यूज़ कर रहे हैं तो सबकी वेबसाइट एक जैसी बन जाएगी। तो उसको कस्टमाइज करने का तरीकाकार क्या है कि आप लोग एक चाइल्ड थीम बनाते हो, चाइल्ड थीम के अंदर पहले से दी गई क्लासेस को ओवरराइड करते हो
तो आपकी वेबसाइट की लुक एंड फील टोटली डिफरेंट हो जाती है। तो इस तरह से आप अपनी बूटस्ट्रैप को क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। तो सीएसएस बड़ी डिटेल में हमने पढ़ी, इसमें सिलेक्टर प्रॉपर्टी वैल्यू होती है, प्रॉपर्टी और वैल्यू भी हम देख चुके हैं, सिलेक्टर के हम टाइप्स भी देख चुके हैं, कितनी किस्म के सिलेक्टर्स होते हैं, ये सब आपको पढ़ा चुके हैं। आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, डिसेंडेंट सिलेक्टर, चाइल्ड सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, ये सब पढ़ चुके हैं। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? तो सिलेक्टर कर्ली ब्रेसेस प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। अब ये जो प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू है जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन में नजर आ रहा है, ये मल्टीपल टाइम यूज हो सकती है, जिसमें मैंने आपको दो आइडियाज बताए थे कि जब भी आपने किसी भी एलिमेंट को डिजाइन करना है तो उसमें अपने दो कॉन्सेप्ट मद्देनजर रखने, एक ब्लॉक या बॉक्स और दूसरा टेक्स्ट। तो जब हम बॉक्स की बात करते हैं तो उसमें आप वेट, हाइट, पैडिंग, मार्जिन, बैकग्राउंड कलर, पोजीशन, इस तरह की सारी चीजें मैनेज करते हो। जब हम टेक्स्ट की बात करते हैं तो टेक्स्ट में आप फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो अप्लाई कर सकते हो, फॉन्ट फैमिली, इसी तरह टेक्स्ट, टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट डेकोरेशन, शेडो, ये सारी चीजें आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और इसका मैंने तरीका भी बता दिया था कि एक डिटेल लिस्ट इसके अंदर मौजूद है जिनकी मदद से आप प्रॉपर्टी वैल्यू अपनी मर्जी की लगाते चले। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी लगा सकते हो, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, मल्टीपल किस्म की प्रॉपर्टीज लगा सकते हो। तो ये ऑलरेडी बात हो चुकी है, सिलेक्टर की टाइप्स के बारे में बात हो चुकी है, ठीक है, आईडी सिलेक्टर, ग्रुप सिलेक्टर, क्लास, सीएसएस, ये सारी स्लाइड्स आपको शेयर भी कर दी गई हैं आपके गूगल क्लासरूम में। इन स्लाइड को आप पढ़ के आप काफी कुछ दोबारा रिपीट कर सकते हैं। तो ये इन तमाम सिलेक्टर की टाइप्स के बारे में आपको बता दिया गया हुआ है। ये एक रिकैप है, ठीक है, आज का जो पहले 15 मिनट 20 मिनट है, रिकैप कर लेते हैं ताकि आपको पता चले कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया। और सीएसएस को इंक्लूड करने के 3 तरीके भी हमने पढ़ लिए थे, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल, पढ़ लिए थे ना। उसके बाद सीएसएस के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि प्रायोरिटीज क्या होती हैं, इनलाइन की प्रायोरिटी हाई होगी या एक्सटर्नल की हाई होगी, जो बाद में प्रॉपर्टी डिसाइड होगी उसकी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। और स्पेशली अगर आपने किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इंपॉर्टेंट लिख दिया है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन डालने के बाद, तो उसकी प्रॉपर्टी प्रायोरिटी हाई हो जाती है। बैकग्राउंड कलर से रिलेटेड प्रॉपर्टीज बहुत सारी आपको बता दी गई हैं, आरजीबी कलर कोड क्या होता है, हेक्साडेसिमल कोड क्या होता है, सीएसएस के बैकग्राउंड को कैसे सेट करते हैं, डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस मौजूद हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड यूआरएल, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ये सारी प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से आप बैकग्राउंड सेट कर सकते हो। जो कि जैसे कि मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आपने प्रॉपर्टी को समझना है तो बॉक्स मॉडल को ध्यान में रखना है। तो बॉक्स मॉडल में कुछ मार्जिन होते हैं, कुछ बॉर्डर होते हैं, कुछ पैडिंग होती है, कुछ कॉन्टेंट होता है, इन सबको वन बाई वन अलग अलग आप इनके ऊपर प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अच्छा, इसमें डिस्प्ले की एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप फ्लोट लेफ्ट, फ्लोट राइट और फ्लोट सेंटर कर सकते हो। इन लाइन में मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इन लाइन एक ही रो के अंदर अगर आप दिखाना चाहते हो तो उसको इन लाइन करोगे, वो इन लाइन ब्लॉक हो जाएगा। उसके अलावा टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं जैसे फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, फॉन्ट स्टाइल वगैरह एटसेट्रा। यहाँ पर इस स्लाइड में डिफरेंट किस्म की आपको फॉन्ट फैमिलीज बताई गई हैं और उनकी आउटपुट्स भी बताई गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं बूटस्ट्रैप के ऊपर। बूटस्ट्रैप की फंडामेंटल्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इसका तरीका कार बताऊंगा कि इसको हमें कैसे अपनी फ्रंट एंड के अंदर इंप्लीमेंट करना है। तो बूटस्ट्रैप क्या है? बूटस्ट्रैप बेसिकली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है जिसके अंदर आप इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे टाइपोग्राफी के लिए, फॉर्म्स के लिए, बटन्स के लिए, टैबलेट्स के, टेबल्स के लिए, नेविगेशन के लिए, मॉडल्स, इमेजेस, कैरोसेल्स, और बहुत सारी इसके अंदर ऑप्शंस मौजूद है जिनको हम कंपोनेंट कहते हैं, आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो। मजेदारी वाली बात यह है कि जो काम आपको सीएसएस में करने में कई हफ्ते लगते थे, बूटस्ट्रैप में कई घंटों में हो जाता है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप की अगर सीएसएस को यूज करते हुए काम करोगे तो आपको सीएसएस बिल्कुल भी नहीं लिखनी पड़ती, आप सिर्फ कंपोनेंट्स को कॉपी और पेस्ट करते हैं और रन करते हैं तो आपका वेबसाइट का लेआउट रेडी हो जाता है। तो अभी हम अभी थोड़ी देर में एक लेआउट बनाना सीखेंगे बूटस्ट्रैप की मदद से, और उसके अंदर डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स भी इंक्लूड करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि बूटस्ट्रैप के अंदर सबसे पहले जो चीज होती है लेआउट को डिजाइन करना। तो लेआउट को डिजाइन करने के लिए आपको ग्रिड सिस्टम पे काम करना पड़ता है। तो ग्रिड सिस्टम को समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं जैसे कंटेनर, रो, कॉलम, कॉलम विड्थ, रिस्पॉन्सिव ब्रेकडाउन्स, ब्रेक ब्रेक पॉइंट्स। अब मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बात बताऊं, अभी इसी स्क्रीन को देख लें तो आपका एक कंटेनर है, ये जो व्हाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसको हम क्या कहते हैं? कंटेनर। कंटेनर के अंदर लेट से अगर मैं कहूँ कि
ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है, ये चौथी रो है, तो ये रोज है। अगर मैं इसको टेबल्स की शक्ल में दिखाऊं तो रोज एंड कॉलम्स उसके अंदर फर्दर आ जाते हैं। हर कॉलम की डिफरेंट विड्थ सेट कर सकते हो। तो यानी अगर आप पेज को इस तरह से अरेंज करो कि कंटेनर आ जाए, रोज आ जाए, रोज के अंदर कॉलम्स आ जाए और कॉलम्स की विड्थ सेट हो जाए, और उसके बाद वो विड्थ अपने आप को चेंज कर सके एज पर द स्क्रीन साइज। तो अगर आपको ये पांच कॉन्सेप्ट समझ आ गए, कंटेनर, रो, कॉलम, कॉलम विड्थ और रिस्पॉन्सिव ब्रेक पॉइंट्स, अगर ये पांच कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाते हैं बूटस्ट्रैप लिट सिस्टम के अंदर, तो आप बड़ी अट्रैक्टिव किस्म के लेआउट्स बना सकते हो, जो कि अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसका ये लेआउट है। मिसाल के तौर पर अगर आप इस किस्म का लेआउट अपनी वेबसाइट पर बनाना चाहते हो, तो आपको विदाउट वर्किंग ऑन एनी सीएसएस स्टाइल क्लासेस, आप सिर्फ एचटीएमएल की मदद से ये पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हो। अभी इसमें देखिए कि कंटेनर है सबसे बाहर, कंटेनर के अंदर कितनी रोज हैं, गिन के बताएं। पांच रोज है, और पहली रो में कितने कॉलम है, और दूसरी रो में, तीसरी रो में, और उसके बाद इनकी विड्थ भी मुख्तलिफ है ना। सबसे लास्ट वाली रो में 12 कॉलम्स है। तो आपने ये बात समझनी है कि बूटस्ट्रैप आपको मिनिमम मिनिमम 12 कॉलम बनाने की फैसिलिटी दे देता है, और उसके बाद इससे कम कॉलम्स भी बना सकते हैं, दो कॉलम्स भी बना सकते हैं एक रो में, एक कॉलम भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं ये भी मैं आपको आगे चल बताता हूँ। अच्छा, इसी तरह अगर आपने इस तरह का एक नेविगेशन बार बनाना है, तो सिंपली एक स्निपेट है कोड का, उसको कॉपी पेस्ट करेंगे, आप उसका कंटेंट चेंज करेंगे, आपकी नेविगेशन बार रेडी है। मुख्तलिफ किस्म की नेविगेशन बार की फैसिलिटी मौजूद है, इस तरह के नेविगेशन बार अपीयर हो जाते हैं, आप इनको इजीली बना सकते हैं विदाउट एनी हसल। अच्छा, इसके अलावा मॉडल्स क्या होते हैं, बूटस्ट्रैप मॉडल्स, मॉडल्स पॉपअप्स होते हैं। अगर आपने कोई ऐसी चीज उसमें इंक्लूड करनी है जो आपको प्रॉम्प्ट करें, तो उसके लिए मॉडल्स यूज होते हैं, जो कि जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है, जेक्यूरी, इसकी मदद से ये जनरेट हो सकते हैं बूटस्ट्रैप के। तो बूटस्ट्रैप के कुछ और कंपोनेंट्स भी मौजूद हैं, मॉडल कंपोनेंट है, मॉडल स्ट्रक्चर है, मॉडल ट्रिगर है, मॉडल साइज है, मॉडल बॉडी है। ये क्या है, ये इसी को जाहिर कर रहा है। अगर आप इस तरह का एक मॉडल बनाना चाहते हो, तो ये वाला मॉडल बॉडी है, ये मॉडल हेड है, ये मॉडल साइज है, क्लिक करने पर जो मॉडल ओपन होता है उसको मॉडल ट्रिगर कहते हैं। तो ये सारी चीजें बूटस्ट्रैप के कंपोनेंट्स के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड है, आपने जस्ट इनको यूज करना है, और इसका तरीका बहुत ही आसान है, मैं अभी आगे चल के बताऊँ। अच्छा, बूटस्ट्रैप के टेबल में, अगर बूटस्ट्रैप के टेबल की बात करें, तो टेबल के लिए बूटस्ट्रैप आपको स्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड करता है, इसकी सीएसएस प्रोवाइड कर देता है, जिसमें आप उसकी बहुत सारी चीजें मैनेज कर सकते हो, लाइक उसकी रोज को स्ट्रिप्ट कर सकते हो यानी डिफरेंट कलर वेरिएशन के साथ, उसका बॉर्डर सेट कर सकते हो, माउस ओवर पर रो को हाईलाइट कर सकते हो, और रिस्पॉन्सिव कर सकते हो यानी स्क्रीन के साथ साथ उसकी जो विड्थ है वो कम बेश हो सकती है। जैसे बिलफर्ज अगर ये आपको टेबल दिखाया जा रहा है, तो ये टेबल में अगर आप रोज को देखें तो ये लाइट डार्क शेड में चल रहा है, इसको टेबल स्ट्रिप कहते हैं, और इसके अंदर एक छोटा सा सर्च भी मौजूद है, और टेबल की जो है ना कैप्शंस भी मौजूद है, और एक पूरा स्टाइल मौजूद है। ये आप टेबल हेडिंग और टेबल बॉर्डर सेट किए करने के साथ आप मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टी लगा सकते हो क्लासेस की मदद से, तो आपके टेबल्स सेट हो जाएंगे। अभी हम आगे चल के देख भी लेते हैं। फॉर्म्स को डिजाइन करने के लिए भी बूटस्ट्रैप के पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। उसके लिए फॉर्म का बेसिक स्ट्रक्चर है, फॉर्म को लेआउट बना सकते हो, फॉर्म के कंट्रोल की डिफरेंट स्टाइलिंग हो सकती है, फॉर्म ग्रुप एक क्लास है वो अप्लाई कर सकते हो, लेबल्स वगैरह पे काम कर सकते हो, और इस तरह के अट्रैक्टिव फॉर्म्स बना सकते हो। ये सारा कमाल सीएसएस के बूटस्ट्रैप का है। तो ये एक ओवरव्यू था बूटस्ट्रैप का। अब मैं आपको बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताता हूँ, राइट? अच्छा, उसके लिए मैं अपने वीएस कोड में जा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैं एक फाइल बनाने जा रहा हूँ, बीएस ट्यूटोरियल डॉट एचटीएमएल के नाम से, और बॉयलर प्लेट की मदद से मैं उसी तरह का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ठीक है? अब स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन क्या है कि हाउ टू इंक्लूड योर बूटस्ट्रैप, मतलब ये पेज है इसमें बूटस्ट्रैप को कैसे इंक्लूड करेंगे। तो बूटस्ट्रैप को इंक्लूड करने के लिए आपने क्या करना है, जी, बता रहा हूँ बता रहा हूँ। उसके लिए एक वेबसाइट है getbootstrap.com, यहाँ पे डिफरेंट किस्म के वर्जन मौजूद हैं, हम लेटेस्ट वर्जन उठा लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं कि डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा, डाउनलोड में कई तरीके कार हैं जिसके थ्रू आप काम कर सकते हो। तो सबसे पहला जो इजी स्टेप है, हम क्या करते हैं कि हम थ्रू सीडीएन करते हैं। सीडीएन क्या होता है, सीडीएन एक एक्सटर्नल लिंक होता है, जिसकी लिंक की मदद से आप पूरी सीएसएस यहाँ पे उठा सकते हो। मिसाल के तौर पर मैंने पूरी सीएसएस उठा ली,
डाउनलोड नहीं किया अभी मैंने, मैंने एक स्क्रिप्ट फाइल उठा ली और मैंने इसमें लिंक यानी सीएसएस इंक्लूड कर ली। अभी मैंने डाउनलोड कुछ भी नहीं किया, मैंने अभी ऑनलाइन बूटस्ट्रैप डॉट विन डॉट सीएसएस की फाइल इंक्लूड की है और बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जेएस इंक्लूड किया। दूसरा उसने क्या कहा कि जावास्क्रिप्ट को भी इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो मैं कुछ और फाइलें भी इंक्लूड कर लेता हूँ, वो लास्ट पे रख देते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट पे रख दी, तो इससे मैंने ये चार फाइलें इंक्लूड कर ली। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई जी? देखो बेटा, यहाँ पे मैंने एक फाइल है बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट सी एस एस, बूटस्ट्रैप बंडल डॉट जे एस, बूटस्ट्रैप डॉट मिन डॉट जे एस, ऊपर डॉट मिन डॉट जे एस, ये कुछ फाइलें मैंने उठा ली, ठीक है। और एक फाइल मुझे चाहिए जे क्यूरी, तो मैं जे क्यूरी भी ऑनलाइन पिक कर लेता हूँ। जे क्यूरी ऑनलाइन सी डी एन, जे क्यूरी सी डी एन लिखोगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये सी डी एन है जे का, जे इसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, मैंने अपनी स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर सी डी एन से ही जे क्यूरी उठा ली। राइट, यहाँ तक बात समझ आ गई? और जे क्यूरी के बाद मैंने ये चीज़ें फेंक, यानी ये बात याद रखें कि जितनी भी जेएस की फाइलें होंगी ना, ये सीएसएस की फाइल ऊपर जानी चाहिए, दिस वन इज फॉर सीएसएस, ये मैं यहाँ से उठा के ऊपर ले जाता हूँ, और बाकी जितनी भी जेएस की स्क्रिप्ट की फाइलें हैं वो मैं बॉडी के एंड पे, यानी मैं इवन के यहाँ पे भी उठा, यहाँ से कट करके मैं बॉडी के एंड पे भी डाल सकता हूँ, यहाँ पे भी डाल सकता हूँ। तो ये मेरी स्क्रिप्ट की फाइलें ऐड हो गई, ठीक है। कुछ कई तरीके कार हैं, पहला तरीका ये है कि आप सीडीएन से पिक कर लें, जो सबसे आसान तरीका कार है, लेकिन अगर आप इसको लोकली डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका तरीका कार दिया गया है, वो भी हम देख लेते हैं थोड़ी देर। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसको मैं रन कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये एक एम्प्टी पेज रन हो चुका है, यहाँ पे मैं सिंपल अभी H1 लिख रहा हूँ, ये देखिए अभी आपने नोट किया कि इस वक्त हेडिंग का स्टाइल ही चेंज है ना। वैसे H1 हम लिखते थे वो किसी और फॉर्मेट में, किसी और फॉन्ट साइज में आता था, स्टाइल में आता था, तो अब ये बूटस्ट्रैप का कमाल है कि उसने उसको एक सीएसएस दे दी। राइट, अच्छा, अब यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रिड जो कि लेआउट है उसमें कैसे काम करना है, बहुत ही आसान है, सारा कुछ आपने एचटीएमएल में करना है, सीएसएस में कुछ भी नहीं करना। अब मजे की बात है कि सीएसएस से तकरीबन जान छूट चुकी है, क्यों, क्योंकि आपने सीएसएस बूटस्ट्रैप को यूज कर लिया हो, लेकिन जान छूटी है कस्टमाइजेशन में, फिर आपको जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक डिव ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, इस डिव को मैं कह देता हूँ कि सारा काम आपने क्लास की मदद से करना, कंटेनर, मैं यहाँ पे काम करता हूँ, या मैं बूटस्ट्रैप फाइव, बूटस्ट्रैप फाइव को मैं क्विक स्निपेट इंस्टॉल कर लेता हूँ। और फॉन्ट ऑसम भी इंस्टॉल कर लेता हूँ, ठीक है, क्विक स्निपेट ये हो चुका है, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं जब आता हूँ यहाँ पे तो क्लास कंटेनर आ गई, ये बात समझ आ गई? अब इस क्लास के अंदर मैंने रो बनानी, अब जैसे आप रो लिखते हो, आपको जो अभी मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है बूटस्ट्रैप की, उससे रिलेटेड आपको ये बहुत सारी ऑप्शंस देना शुरू कर देता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो वो एक पूरी डिव बना देता है, ये जस्ट सिखाने के लिए, अभी इसमें आपने नहीं जाना, ये कॉम्प्लेक्स है थोड़ा सा, इसको आपने सिर्फ समझना है डिव। और इस डिव के अंदर मैं एक रो ऐड करने जा रहा हूँ, क्लास रो, ठीक है, ये रो ऐड हो। अब रो के अंदर मैं दो कॉलम्स ऐड करना चाह रहा हूँ, डिव कॉलम वन, कॉलम वन, और जी बेटा दे रहा हूँ दे रहा हूँ दे रहा हूँ, क्लास के थ्रू दे रहा हूँ ना,
इसके अंदर आपने जो प्रॉपर्टी जो क्लास का नाम सेट करना है वो कॉल सेट करना है। अच्छा अब देखो मैंने तीन चीजें लिखी यहाँ पर, कंटेनर, रो, कॉल। ये तीनों क्लासेस कहाँ पे डिफाइंड है? बूटस्ट्रैप की सीएसएस में। इनके अगेंस्ट क्या हो रहा है अभी मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ। ये देखा आपने। अब लाइक मैं एक सिर्फ कॉपी पेस्ट करता हूँ तो तीन कॉलम अपीयर हो गए, राइट। इसके ऊपर मैं एक और रो बनाता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कि एक रो है और इस रो के अंदर एक एक ही कॉलम है। तो आप सिर्फ एक दफा कॉल लिख लेंगे और इसके अंदर कोई भी कंटेंट डाल दो। तो आपने देखा कि ये ग्रिड बन। अब बिलफर्ज आप एक और रो बनाए, जितनी मर्जी रो बनाए, तो लेआउट बनाना आप कोई मुश्किल काम नहीं है। यहां पे लाइक आप जितने मर्जी कॉलम्स बनाए, तो आपने देखा कि जितने मर्जी कॉलम्स बना सकते हैं, है ना। तो अब जैसे मैं आपको कोई भी वेबसाइट दिखाऊं, लाइक अगर ये वेबसाइट है, तो अगर आप ये देखें तो ये भी ग्रिड में मैनेज हुआ हुआ है। जैसे ये सबसे ऊपर वाली रो में क्या नजर आ रहा है आपको? ऊपर वाली रो में लोगो है और कुछ लिंक्स हैं, ऐसे ही है। दूसरी वाली रो में नेविगेशन बार आपको नजर आ रही है ना, और तीसरे वाले में आपको क्या नजर आ रहा है? एक स्लाइडर नजर आ रहा है ना। उसके बाद आपको एक रो नजर आ रही है, उसके अंदर आपको दो दो कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो ये अपने आपको लिक्विड लिक्विफाई भी करता है, मतलब अगर मैं इसको छोटी स्क्रीन बड़ी स्क्रीन में लेके जाऊंगा, ये समझ लेंगे मोबाइल व्यू है, तो मोबाइल व्यू में ये ऐसे नजर आए और सारी नेविगेशंस आपकी इसमें आ जाएगी, क्योंकि मोबाइल छोटी स्क्रीन होती है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिवनेस अचीव करने के लिए आपके पास बूटस्ट्रैप की जबरदस्त फैसिलिटी मौजूद है। अगर आपने ये ग्रिड बनाना है तो ये बनाना कोई मुश्किल चीज नहीं है। ये कैसे बनेगा बताएं मुझे? ये वाला ग्रिड बनाना चाह रहा हूँ, तो इस ग्रिड को देखें, इसमें दो रोज हैं, तो मैं दो रो बना लेता हूँ। मिसाल के तौर पर ये पहली रो, पहली रो में जो कॉलम की डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से कि 50% और फिर 25-25%, ऐसे ही है ना। तो ये कैसे बनेगा, यानी अब ये वेरिएबल विड्थ के साथ कैसे काम होगा? तो इसमें टोटल कितने कॉलम है? पहली रो में तीन कॉलम है, तो मैं सबसे पहले तो तीन कॉलम बनाता हूँ। ये लें जी, कितने कॉलम बन गए? कितने कॉलम बन गए? इस रो में तीन कॉलम बन गए। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पहला कॉलम है ये सिक्स और ये थ्री थ्री, इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि आपने इसकी विड्थ सेट कर दी, यानी अगर 12 सेगमेंट्स हैं तो 12 में से सिक्स सेगमेंट किसको मिल गए? फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम को, और थ्री थ्री किसको मिल गए? सेकंड रो सेकंड फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम। तो अगर आप देखें तो ये चीज तकरीबन वही चीज बन गई, यानी पहली जो पहला जो कॉलम था वो 50% पे आ गया, और दूसरे जो दो कॉलम है किस पे आ गए? 25-25% पे आ गए। ये बात समझ आ गई। अब इसके अंदर आप कोई भी पिक्चर वगैरह डाल सकते हो, कोई भी कंपोनेंट डाल सकते हो। तो ये तो हो गया लेआउट, लेआउट आपको समझ आ गया। अच्छा अब इसमें आपने करना क्या है? देखिए हम चूंकि मान स्टैक को पढ़ रहे हैं, मान स्टैक में बहुत बड़ा पोर्शन रिएक्ट का है, मोंगोडीबी का है, एक्सप्रेस का है। इसके अंदर फ्रंट एंड जरूर इन्वॉल्व होगी, बूटस्ट्रैप भी इन्वॉल्व होगी, लेकिन इसका तरीकाकार आपको क्या करना पड़ेगा कि बूटस्ट्रैप की थोड़ी सी सेल्फ स्टडी करनी होगी। मैं आपको बहुत ही बेसिक और एडवांस लेवल में बताऊंगा, जिस लेवल पे मैं बताऊंगा आपको सारी समझ आ जाएगी, उसी नॉलेज को पढ़ते हुए आपने जैसे इसको एक्सप्लोर करना, ठीक है। तो एक्सप्लोर करने के लिए आप कहाँ पे जाओगे? यहाँ पे है गेटिंग स्टार्टेड डॉक्स के अंदर, गेट बूटस्ट्रैप वेबसाइट के अंदर कहाँ पे जाओगे? डॉक्स। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने आ जाना है लेआउट के अंदर, ये लेआउट।
अब ये लेआउट्स में हमने अभी तक कंटेनर सीखा, ग्रिड सीखा, कॉलम सीखे, है ना। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है एक कंटेनर, कंटेनर के अंदर कंटेनर की डिफरेंट टाइप्स हैं मैं मानता हूँ, लेकिन इसको आपने थोड़ा सिर्फ एक कंटेनर को लेकर चलना। उसके अंदर हमने ग्रिड सीखा, ग्रिड के अंदर डिफरेंट कॉलम कैसे ऐड होते हैं, और उसके बाद हमने उसके कॉलम्स कैसे ऐड किए, और कॉलम्स को हम डिफरेंट साइज के कैसे करते हैं। तो इन सब के लिए क्लासेस मौजूद है, सिर्फ आपने क्लासेस के नाम देने। लेट्स से अगर आपने ये ग्रिड बनाना है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा। अब इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट बताऊं तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि आपने हर रो के अंदर कॉलम को ऑफसेट किया, जैसे इसमें आपने 1 ऑफसेट किया हुआ है, इसमें 2 ऑफसेट किया हुआ है, तो इसलिए आपको ऑफसेट की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। ये देखें, ये देखें, ये ऑफसेट कर रहा है। जस्टिफाई कंटेंट अराउंड, जस्टिफाई कंटेंट एंड, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, यानी इसका क्या मतलब है कि जो भी रो है वो सेंटर में अलाइन हो जाए। जैसे ये दोनों, ये जो दो है ना, ये जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है, तो इस वजह से ये आउटपुट आ रही है। अगर मैं टॉप वाले की बात करूँ तो ये लेफ्ट सेंटर है, लेफ्ट है, स्टार्ट है, यानी जस्टिफाई कॉन्टेंट स्टार्ट, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूँ जस्टिफाई कॉन्टेंट एंड, यानी वो एंड पे रिप्लेस करें। तो आपने रो के अंदर एक क्लास का नाम डाल दिया जस्टिफाई कंटेंट एंड। तो ये बूटस्ट्रैप के अंदर इस तरह की बहुत सारी क्लासेस हैं जो मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शंस आपको देती हैं। ये बात समझ आ गई। अच्छा, अगर आपने इसको कॉलम, अच्छा अब नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट है वो ब्रेक पॉइंट्स है। ब्रेक पॉइंट्स क्या होते हैं, मिसाल के तौर पर ये देखें, मैंने आपको अभी ये एक ग्रिड बना के दिखाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, छोटी स्क्रीन पे ले जाता हूँ, मैं इसको छोटी स्क्रीन पे ले गया, यानी छोटी स्क्रीन पे ले जाने का असल तरीकाकार ये है कि आप यहाँ पर इंस्पेक्ट करेंगे, और इंस्पेक्ट के बाद आप सिलेक्टर टूल में जाएंगे। सिलेक्टर टूल में जाने के बाद आप इसको यहाँ से ये मोबाइल व्यू करेंगे, और मोबाइल व्यू के अंदर आप मुख्तलिफ किस्म के आईफोन में ये कैसा दिखेगा, Pixel 7 में कैसा नज़र आएगा, iPad Air में कैसा नज़र आएगा, Samsung Galaxy में कैसा नज़र आएगा। तो ये उसका रिस्पॉन्सिव व्यू है। लेकिन अगर मैं सैमसंग गैलेक्सी में या छोटी स्क्रीन में, मैं नहीं चाहता कि ये लेआउट आए, लेकिन बड़ी स्क्रीन में ये लेआउट आए, तो इसको कहते हैं यूजिंग ब्रेक पॉइंट्स चेंजिंग द लेआउट्स। यानी ब्रेक पॉइंट को यूज करते हुए आप लेआउट को क्या करते हो, चेंज करते हो। मिसाल के तौर पर सेम वेबसाइट होगी, मोबाइल पर और तरह से लोड होगी, और बड़ी स्क्रीन पर और तरह से लोड होगी। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ब्रेक पॉइंट आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। मैं इस पर ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ, देखिए बहुत आसान है। अब यहाँ पे देखें, लेआउट चेंज हुआ। यहाँ पे देखें, लेआउट चेंज हुआ। कुछ समझ आ रही है बात की। अब इसमें दो कॉलम आ गए, है ना, हालांकि मैंने इसमें तीन कॉलम डाले थे। तीन कॉलम इस तरह से डाले थे, मैंने ये कहा कि ये जो पहला कॉलम है ना, ये मीडियम स्क्रीन के लिए 6 रखो, यानी 50%, और इसके लिए स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी। तो जब स्मॉल स्क्रीन के लिए मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दी, तो वो अप्लाई एज इट इज होगा। लेकिन इसमें मैंने ये कहा कि स्मॉल स्क्रीन के लिए एक डेफिनेशन है, एसएम मीन स्मॉल स्क्रीन, एक्सएस मीन एक्स्ट्रा स्मॉल स्क्रीन, समझ आ रही है बात, मीडियम स्क्रीन। तो ये स्क्रीन की मदद से, यानी स्क्रीन के साइज की मदद से, अब इसका क्या मतलब है पहले ये समझे। इसका मतलब ये हुआ कि अभी दिखाता हूँ आपको,
MD3। अब मैंने इसमें एक से ज्यादा क्लास दे दी, मैंने ये कहा कि ये जो आखिरी वाली दो कॉलम्स हैं मीडियम के हिसाब से 25% पे डिस्प्ले होने चाहिए, और अगर स्मॉल स्क्रीन है तो फिर 50% पे डिस्प्ले होने चाहिए, और इस तरह एक्स्ट्रा स्मॉल पे भी 50% पे डिस्प्ले होने चाहिए। मैं इसको 12% यानी 12 भी लिख सकता हूँ। 12 का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 100%। बात समझ आ रही है, मैं आपको बताता चलूँ। 12 का मतलब 100%, 6 का मतलब 50%, 3 का मतलब 25%, 9 का मतलब 75%, और MDSM का मतलब स्क्रीन साइज। ठीक है, तो स्क्रीन साइज के हिसाब से आप इसको कैसे वो करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें, अब इसने अपने आप को दोबारा अरेंज कर लिया क्योंकि ये मीडियम स्क्रीन में आ गया। तो मीडियम स्क्रीन में मैंने कहा कि 633, वो 633 के हिसाब से एडजस्ट हो गया। अब मैं इसको किसी स्मॉल स्क्रीन में लेकर जाता हूँ, ये स्मॉल स्क्रीन में आ गया, तो ये सारे 100% पे आ गए। इसलिए आ गए क्योंकि एक्स्ट्रा स्मॉल के लिए मैंने डिफाइन 12 किया हुआ, तो वो 12 12 यानी 100 100% आ गए। देख रहे हो, ये भी 100, ये भी 100, ये भी 100। इसको कहते हैं लिक्विड बिहेवियर ऑफ योर वेबसाइट, यानी आप अपने कंटेनर के हिसाब से, स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स लगाते हैं। ब्रेक पॉइंट्स के हिसाब से फिलोसफी क्या है ये जरा भी देखते हैं। ब्रेक पॉइंट की फिलोसफी, ब्रेक पॉइंट की फिलोसफी ये है कि देयर आर 6 टाइप्स ऑफ स्क्रीन, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज, और उनकी नेमिंग कन्वेंशन भी आपको दिए गए हैं। जैसे भी हमने इसमें एस एल यूज किया था, एम डी यूज किया था, इवन एल जी एक्सल भी यूज कर सकते हैं, और स्क्रीन का साइज यानी स्क्रीन की रेजोल्यूशन के हिसाब से ऑटोमेटिकली क्लास अप्लाई हो जाती है। जैसे अगर मेरी स्क्रीन का साइज 992 होगा तो एल जी वाली क्लास अप्लाई होगी, और अगर मेरी स्क्रीन का साइज 768 से बड़ा बट 992 से छोटी स्क्रीन होगी तो ऑटोमेटिकली एमडी वाली अप्लाई होगी। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ये वाली क्लास अप्लाई हो जाएगी और बाकी दोनों क्लासेस अप्लाई नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि 50% पे ये कॉलम अपने आप को अरेंज कर रहे हैं। तो वेरी सिंपल, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेआउट ऑफ द बूटस्ट्रैप फॉर डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, देखें ये मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ, मनस्टैक में सिर्फ इसका टच है, लेकिन मैं आपको डिटेल इसलिए दे रहा हूँ कि जब आप मनस्टैक के अंदर आप ये वाली क्लासेस यूज करें तो एटलीस्ट आपको आइडिया हो। देखिए आप में इसमें क्या करना है, अभी मैं एक काम करने जा रहा हूँ, लेआउट को थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है आप लोगों को। जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं इसी की बेस के ऊपर लेआउट को फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारी कुछ और क्लासेज हैं, वो आपने पढ़ के आनी है और अंडरस्टैंड करनी है। दूसरी चीज़ जो इसमें है वो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें। मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा आइडिया बताता हूँ। ये अब देखें, इसके अंदर लिस्ट ऑफ कंपोनेंट्स मौजूद है, अकॉर्डियन, अलर्ट्स, बैज, ब्रेड क्रम, बटन्स, ये वो गैजेट्स हैं, ये वो कंपोनेंट्स हैं जो तकरीबन हर वेबसाइट को चाहिए होती, और उन्होंने बड़े आउट ऑफ द बॉक्स यानी आउट क्लास किस्म की इन्होंने गैजेट्स बनाए हुए हैं। जस्ट आपने कॉपी करना और पेस्ट करना है, आपके पास वो गैजेट अवेलेबल। मिसाल के तौर पर अभी हम एक काम करना चाह रहे हैं, हम अकॉर्डियन बनाना चाह रहे हैं। अकॉर्डियंस होती क्या है यहाँ पर आपको पता है, ये देखिए अकॉर्डियंस ये होती है, लेट्स से आपको वेबसाइट पे ये चीज़ अगर आपने दिखा दी। ओके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारी एक वेबसाइट है, ये वाली हमारी एक ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें यहाँ पे हमने अब ये जो थीम सारा बना हुआ है किसके ऊपर बना हुआ है, बूटस्ट्रैप के ऊपर बना हुआ है। ये देखिए अब ये जो एफएक्यूज हैं यहाँ पे यूज हो रहे हैं ना, ये तो अगर आपको ये चीज लगानी है तो कैसे लगाओगे, थ्रू अकॉर्डियंस। अभी दिखाता हूँ ये कैसे लगेगा, बहुत ही आसान है। अकॉर्डियन का कोड पूरे का पूरा आपके पास अवेलेबल है, जस्ट उसमें कोड कॉपी पेस्ट करो और आपका डन है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे इस जगह पे आके अकॉर्डियन ऐड करना चाहता हूँ, यानी 50% बिट में अकॉर्डियन मेरा ऐड होना चाहिए। मैं अब इसकी रिस्पॉन्सिवनेस ख़त्म करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ अकॉर्डियन वर्क्स। ठीक है, समझ आ गई, क्लियर? तो मुझे बताओ अब कितना आसान हो गया, इसमें कोई सीएसएस पे काम करना पड़ा हमें? इसके पीछे सीएसएस खुद मौजूद है, अगर आपने इसको कोई कलर स्कीम वगैरह चेंज करनी है तो वो चाइल्ड थीम वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये हमारे कॉलम वन में काम हो। इसी तरह लेट से अगर मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये वेबसाइट है हमारी, ये भी हमने इसी पे बनाई है। अब मिसाल के तौर पर आपको ये स्लाइडर चाहिए,
अट्रैक्टिव किस्म के स्लाइडर्स बना के आप लगाना चाहते हो, तो अब आपको क्या तरीकाकार करना पड़ेगा, फूड स्टेप के अंदर मौजूद है इसके लिए कैरेसल, कैरेसल में जाओगे ये स्लाइडर मौजूद है राइट। इसमें से जो भी आपको पसंद है, लाइक मुझे लेट से कैप्शंस के साथ पसंद है, तो मैं कैप्शन वाला कोड उठाऊंगा और मैं सबसे टॉप के ऊपर यहाँ पे इस वाली रो में मैं कैरेसल डालना चाहता हूँ, इसके नीचे एक रो बनाऊंगा उसमें कैरेसल डालना चाहता हूँ। तो बहुत ही आसान, मैं सबसे पहले वाली रो में आ जाता हूँ, ये वाली रो, इसके अंदर मैं एक इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ मैं, और नीचे यहाँ पे मैं ये कैरेसल ऐड करना चाहता हूँ। कैरेसल में क्या उसका पूरा कंटेंट उठाया और मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया, अब ये मेरा कैरेसल यहाँ पे रेडी है। बट कैरेसल रेडी तो है, इस कैरेसल के अंदर मेरे पास कंटेंट मेरी मर्जी का नहीं है, तो मैं कंटेंट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कुछ इमेजेस डालूँ, इमेजेस में क्या कर लेता हूँ, मैं कुछ इमेजेस पिक कर लेता हूँ। लाइक ये तीन इमेजेस मैंने ओपन करनी है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। डेस्कटॉप पे मैं जो मेरा प्रोजेक्ट है मन स्टैक का, यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ इमेजेस, इसमें जाके मैं सेव कर दूँ, ये पहली इमेज सेव हो गई, ये दूसरी इमेज सेव हो गई, और ये तीसरी इमेज सेव। अब मेरे पास तीनों इमेजेस आ गई, मैं यहाँ पर अपनी चॉइस के मुताबिक पहली इमेज यहाँ पर डालना चाह रहा हूँ। तो जैसे मैं इमेजेस पे जाऊंगा, यहाँ पे मुझे कह रहा है ये पहली इमेज, और दूसरी सोर्स में मैं जाऊंगा, यहाँ पर इमेज में गया, इमेजेस के फोल्डर में गया, यहाँ पे ये मुझे दूसरी इमेज मिल गई, और मैं यहाँ पर गया इमेज के फोल्डर में और मुझे यहाँ पे तीसरी इमेज मिली। बाकी कंटेंट वगैरह मैं नहीं छेड़ रहा, मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ, जस्ट डन, इतना आसान है। एनी क्वेश्चन जी, क्या करना हो? ओके, इसके लिए आपको जे क्यूरी और रिएक्ट और मॉन्स्टैक, ये सारी चीजें आगे आ रही हैं। अभी सिर्फ आप बूटस्ट्रैप के कॉन्टेक्स्ट में चीजें सीखे कि बूटस्ट्रैप का कंपोनेंट्स कैसे इंक्लूड होता है, ठीक है? अभी तो बहुत डिटेल में जाना हमने, तो ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे बताओ कि अगर मैं आपको कोई टास्क दूं, मिसाल के तौर पे ये सारे कंपोनेंट्स हैं, जैसे अभी इसमें दो मैंने यूज़ किए, अकॉर्डियन का और कैरेसल का, अगर आपने कार्ड्स लगाने हैं तो कार्ड किस तरह के होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं उसका यूजेज क्या है, तो लाइक मैं अगर आपको यूजेज दिखाऊं तो ये देखें ये कार्ड्स है ना, तो अगर इस तरह की चीज़ बनानी है तो बनानी क्या है, आपने कॉपी करनी है, लाइक आप गए यहाँ पर ये कोड कॉपी किया, और ये जो लेट्स से कि जो मेरे आखिर में दो कॉलम्स थे, मैं इसमें कार्ड कॉपी कर दी, पहले मैं ये कार्ड कॉपी कर दी और दूसरे में ये कार्ड कॉपी कर दी, ओके। और इमेज में मैं इमेजेस में क्या, और मैं एक में कर, अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ये मेरा एक कार्ड बन गया, वो अलग बात है कि क्योंकि कार्ड का साइज और ये वो मिसमैच हो रहा है, वो मैं लगा सकता हूँ, वो कोई बड़ा मसला नहीं, यानी इसकी आपने ये जो कार्ड आपने बनाया है ना, इस कार्ड का जो आपने साइज रखा है, ये विड्थ खत्म कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो अनस्टाइल हो जाएगा राइट। ये देखो हो गया अनस्टाइल, और आखिर में मैं जाके अगर मैं इसकी, जी बेटा, जी बेटा, गो लाइव का मतलब ऑटोमेटिक ही होना होता है ना, ये देखिए मैंने इसका बॉर्डर रिमूव कर दिया, तो आपकी वेबसाइट अब मैनेज होनी शुरू हो गई है। बॉर्डर तो मैंने जस्ट दिखाने के लिए किया था ना कि कहाँ पे रोज शुरू हो रही है, कहाँ पे कॉलम शुरू हो रहे हैं, तो आप अपनी वेबसाइट को देखो एक लेआउट के अंदर फिक्स करते जा रहे हो चीज़ें। तो मुझे बताओ अगर आपको वेबसाइट बनानी हो बूटस्ट्रैप के ऊपर, कितना आसान हो गया? तो ज़रा मुझे आप लोग रेज योर हैंड्स बताएं मुझे कि अगर आपको कहा जाए कि एक वेबसाइट बना के लाएं अच्छी सी अट्रैक्टिव सी, और कोई भी आपको सैम्पल वेबसाइट दे दी जाए तो आप बना सकते हो, कितने लोग बना सकते हैं? सब बना सकते हैं ना, कॉन्फिडेंट हो? ये मैं आपको असाइनमेंट अभी देने जा रहा हूँ, अच्छा मैंने ना
ये कुछ स्लाइड्स शेयर कर दी हुई आपसे, इसमें सारी डिटेल्स मौजूद हैं। रिएक्ट को हम थोड़ी देर में स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो उसके लिए कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखेंगे, बट उससे पहले मैं आपको असाइनमेंट देने जा रहा हूँ। असाइनमेंट नंबर कितनी है ये? असाइनमेंट नंबर 4 है, 5 है? अच्छा, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे तक आपको डेडलाइन दे रहा हूँ, ठीक है? मंडे कर दूँ? मंडे 1 जुलाई, ठीक है? मंडे को तो क्लास नहीं है ना आपकी? ओके, मंडे को है, सॉरी सॉरी। तो फिर ये मैं 11 बजे तक दे रहा हूँ, ठीक है? 12 बजे तक, सही है? अच्छा, क्रिएट अ वेबसाइट हैविंग 5 पेजेस, ईच पेज मस्ट हैव डिफरेंट डिजाइन बेस्ड ऑन बूटस्ट्रैप यूजिंग ग्रिड्स एंड कंपोनेंट्स, ठीक है? आपको ग्रिड्स एंड कंपोनेंट्स अभी सिखा दिए हैं कैसे इंक्लूड करते हैं। फॉर दिस चूज एनी टेम्पलेट एंड क्रिएट सिमिलर वेबसाइट ले आओ, कोई भी टेम्पलेट आपने ऑनलाइन उठा लेना है, उसके मुताबिक आपने बनाने की कोशिश करनी है। एवरीथिंग जो कुछ भी हमने पढ़ा, ये लो जी, ये असाइन होगा। अच्छा जी, ये मैंने अब आपको एक्चुअली बूटस्ट्रैप का एक ओवरव्यू दे दिया है, बूटस्ट्रैप कैसे यूज होता है ये मैंने बता दिया है, और उसके कंपोनेंट्स को कैसे यूज करना है, लेआउट्स को कैसे बनाना है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उस पर आ जाते हैं। जी बेटा, क्या यूज करने के लिए? आइकन्स, ऑसम, फॉन्ट ऑसम, फॉन्ट ऑसम यूज करोगे। एक्सप्लोर करना है आपने, मैंने ये नहीं कहा कि मैंने सारा कुछ पढ़ा दिया इसमें, मैंने आपको बेसिक्स बताई हैं, लेआउट कैसे बनाते हैं, कंपोनेंट्स कैसे डालते हैं, वो सारे कंपोनेंट्स की लिस्ट बता दी है, उनको वन बाई वन कॉपी पेस्ट करो, रन करो। इसका मतलब है यानी आप इसको एक्सप्लोर कर रहे हो। इसी के अंदर आपको फॉन्ट ऑसम यानी आइकन्स बनाने का भी तरीकाकार बताया गया, उसको भी कॉपी पेस्ट करो और रन करो, हो जाए, ठीक है? अच्छा, चूंकि आज का लेसन काफी कॉम्प्रिहेंसिव हो रहा है, तो इसमें हमने सबसे पहले एचटीएमएल को गो थ्रू किया, सीएसएस को गो थ्रू किया, बूटस्ट्रैप को गो थ्रू किया, और अब हम किसको गो थ्रू करने जा रहे हैं? जावास्क्रिप्ट को, ताकि जैसे जैसे हम रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट आपके लिए फ्रेश हो और उस पर आप काम करना आसान हो। तो जावास्क्रिप्ट में हमने अब तक जो चीज़ें सीखी हैं उसका जल्दी से हम जरा ओवरव्यू ले लेते हैं। जावास्क्रिप्ट जो है वो बेसिकली एक हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये वेब पेजेस के अंदर इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और ये मिलके काम करता है एचटीएमएल और सीएसएस के साथ, और ये क्लाइंट साइड पे चलता है, और इसमें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडलिंग यानी डॉम मैनिपुलेशन होती है, और इसमें आप इसको यूज़ करते हुए सर्वर साइड पर भी काम कर सकते हो, मोबाइल साइड पर भी काम कर सकते हो, और वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। अच्छा, इसमें जावास्क्रिप्ट को अगर आपने कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है तो कई तरीके का आ रहे हैं, अलर्ट में दिखा सकते हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट में दिखा सकते हो, कंसोल डॉट लॉग में दिखा सकते हो, आपकी अपनी चॉइस है। जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स मैंने आपको बता चुका हूँ, वार, लेट, कॉन्स्ट किसी भी तरीके से आप करवा सकते हो, और जब आप इसको डिक्लेयर करते हो और इनिशियलाइज करते हो तो इसका क्या मतलब होता है? जैसे ही वार करके मैसेज लिखते हो, मैसेज डिक्लेयर हो गया, इक्वल करके असाइन करते हो तो इनिशियलाइज हो गया, ये हम बार बार रिपीट कर रहे हैं।
अच्छा जावास्क्रिप्ट के अंदर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, अरिथमेटिक ऑपरेटर में जमा, तफरीक, तकसीम, ज़रब, यानी सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस है। असाइनमेंट ऑपरेटर में जो वैल्यू आप असाइन करते हो वेरिएबल के अंदर, उसमें सिर्फ इक्वल नहीं है बल्कि प्लस इक्वल भी है, माइनस इक्वल भी है, मल्टीप्लाई इक्वल भी है, स्लैश इक्वल भी है, यानी डिवाइड इक्वल भी है, और इनके अपने अपने मीनिंग्स हैं। इनके क्या मीनिंग्स हैं? अगर आप प्लस इक्वल टू कर रहे हो तो इसका मतलब है, अगर आप कर रहे हो ए प्लस इक्वल टू बी, तो इसका मतलब क्या है कि ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए को बी में प्लस कर दो और जो आंसर है उसको दोबारा ए में ऐड कर दो। क्या कहा मैंने? अगर आप इस तरह से लिख रहे हो ए प्लस इक्वल टू बी, ये समझो बच्चे। ये समझो बच्चे, ये जरा देखो इसमें मैंने क्या किया है। मैंने एक ऑपरेटर यूज किया ए प्लस इक्वल टू बी, विच इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए प्लस बी की वैल्यू क्या आती है? फोर। ए प्लस बी की वैल्यू क्या आएगी? फोर, और ए में असाइन हो जाएगी। तो ए की नई वैल्यू जब मैंने प्रिंट की तो क्या आंसर आया? फोर। ये देखिए यहाँ पर फोर लिखा हुआ है। समझ आ गई बात की? तो मैं आपको वही बता रहा था कि डिफरेंट किस्म के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं और डिफरेंट किस्म के असाइनमेंट ऑपरेटर्स हैं। तो इसका मैंने मतलब बता दिया और बाकी का मतलब आप खुद समझ गए। कंपैरिजन ऑपरेटर भी हम चला चुके हैं अपनी असाइनमेंट के अंदर। जैसे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि असाइनमेंट दी थी मैंने आपको कि कौन सी असाइनमेंट बनानी है आपने, प्राइम नंबर्स की, बना के लाए हो। ये रिजेम्बलेंस के लिए होता है, ये इक्वल के लिए होता है, ठीक है? यानी अगर ये बिल्कुल 100% रिजेम्बल करता है, जैसे कोई स्टेटमेंट आप रिजेम्बल करवा रहे हो, तो फिर ट्रिपल इक्वल लगाओ, ठीक है? अच्छा बेटा, सवाल मेरा ये है कि कितने बच्चों ने प्राइम नंबर का कोड लिख के मुझे सेंड किया हुआ है? अभी मैं, शाबाश, मैं अभी देख लूँ। बेटा आप न्यू कमर बच्चे कौन से थे जो लास्ट टाइम दो बच्चे आए थे? बेटा मैंने सारा रिवाइज किया आज आप लोगों के लिए, ठीक है? तो आप मुझे बताओ आपने वो असाइनमेंट क्यों नहीं भेजी अभी? प्राइम नंबर JS कर लिया आपने, सबमिट नहीं करवाया अभी? इनसे पूछ ले कैसे सबमिट करवाते, साथ वालों से पूछ। अच्छा, इधर से एक बच्चे ने हाथ नहीं खड़ा किया था, दो तीन बच्चों ने, जिन्होंने असाइनमेंट सबमिट नहीं करवाई मुझे अभी तक। आपने करवा दी? क्यों नहीं थे क्लास में? यार वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, वो पूरा हमने मुझे सबमिट करवाया यार। जरा जिन्होंने नहीं करवाई जरा खड़े तो हो जाए, मुझे पता तो चले, मुझे पता चले कि उन्होंने नहीं करवाई अभी तक। खड़े हो जाए, कोई बात नहीं है, खड़े हो जाए, मुझे थोड़ा सा उनका आइडिया हो जाए। जी आपने क्यों नहीं करवाई? यस, क्लास स्किप ना किया करें, बहुत ही नुकसान होता है। आइंदा स्किप नहीं करें क्लास, और ये असाइनमेंट बना के भेजेंगे, और आज भी जो असाइनमेंट दिए ये भी बना के भेजें। बाकी उन्हें सबमिट करवा दिए, बैठ जाए। तो जो हमने प्राइम नंबर वाला कोड लिखा है ना, उसमें ये तकरीबन तकरीबन सारे ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं, ठीक है? तो इनको आपने समझ लेना है। इसी तरह इफ एल्स भी यूज हो रहे हैं उसके अंदर, ठीक है?
तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव कोड इसलिए लिखा था कि आपको थोड़ा सा पता चल जाए कि कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स वगैरह कैसे लगाते हैं, ये सारी चीज़ें। अगर मेरी आवाज़ पीछे ना जा रही हो तो आप लोग फैन बंद करके गर्मी में बैठ सकते हैं, क्योंकि मैं भी गर्मी में बैठा हूँ। हाँ आवाज़ आ रही है? नेट नहीं है? चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे करवा देते हैं आपको, ठीक है? आप घर जाके इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी तरह लूप, अगर देखा जाए तो वो जो कोड मैंने आपको करवाया था प्राइम नंबर वाला, उसमें कितने लूप यूज हुए थे? दो लूप्स यूज हुए थे, तो फॉर लूप यूज हुए थे। इसके अलावा और भी लूप्स हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप। मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर को थोड़ा पढ़ें तो आपको वाइल डू वाइल लूप का आइडिया हो जाएगा। उसके बाद फंक्शंस में भी हमने काम किया था, क्लिक करते थे फंक्शन एग्जीक्यूट होता था, ठीक है? तो फंक्शन को कैसे लिखते हैं, फंक्शन लिख के फंक्शन का नाम लिख के पैरेंथेसिस के अंदर सारा कोड डाल देते हैं। और जावास्क्रिप्ट के एरो फंक्शन, ये बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, इसको हम एरो फंक्शन कहते हैं। जो ट्रेडिशनल वे था उसमें ये चीज़ इस तरह से नहीं थी, लेकिन जो अब लेटेस्ट ES6 आ रहा है, ES6 नहीं, हाँ ES6 आ रहा है, उसके अंदर एम्प्टी पैरेंथेसिस है, एरो ऑपरेटर है और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस है, तो ये फंक्शन को जाहिर करता है। अच्छा इसको हम रो फंक्शंस भी कहते हैं, कंसाइज सिंटेक्स है इसका ये, ठीक है? एक ही रो में पूरा फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल लाइन में लिखने के बजाय आप एक ही रो में पूरा फंक्शन लिख सकते हो। आगे चल के रिएक्ट में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा ये ऑब्जेक्ट, लास्ट टाइम मैंने आपको ऑब्जेक्ट में बड़ी डिटेल से बताया था कि कार ऑब्जेक्ट है, कार डॉट करेंगे तो उसके जितने भी एट्रीब्यूट सब हमें मिल जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट्स पे काम किया आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट्स से रिलेटेड एक असाइनमेंट आज दूंगा, ये आप लोगों ने करके रखा। अच्छा ऑब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट दी थी मैंने कोई? आज दूंगा, ठीक है? ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जी, क्या किया, गलती की है यार? खुश होना चाहिए कि आपको काम मिल रहा है कश्मीर। देखो बेटा मेरी बात सुनो, जब हम कंफर्ट जोन से निकलेंगे नहीं ना, जब तक लर्निंग नहीं होगी, अपने आप को जरा जद्दोजहद में डालो, तो जब जद्दोजहद करोगे ना फिर चीजें मैनेज होंगी, अदरवाइज मैनेज नहीं होगी, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके बारे में डिटेल में कल बात हो चुकी हुई थी, यानी प्रॉपर्टी वैल्यू की, वैल्यू की वैल्यू और की मदद से आप, यानी डॉट करके ऑपरेटर करके आप वैल्यू निकाल सकते हो। अरे पे बड़ी डिटेल में बात हो चुकी हुई है, ठीक है? और एलिमेंट के इंडेक्स की मदद मतलब से हम अरे का कोई भी एलिमेंट गेट कर सकते हैं, 0 1 2 3। हाँ ये जो है ये अरे के मेथड्स हैं, यानी अरे में आप डाटा पुट भी कर सकते हो, पुश भी कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, आप शिफ्ट भी कर सकते हो, स्लाइस भी कर सकते हो, यानी ये उसके अरे के मेथड्स हैं, इनको आपने समझना है। तो ये हमारा JS की ओवरव्यू एक मुकम्मल हो गई। अच्छा अब जो हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ES6। अब जरा आंखें और कान खोल लें अब, क्योंकि अब तक जो हमने जावास्क्रिप्ट सीखी थी वो ES6 नहीं थी। ES6 क्या चीज है? बेसिकली एक स्टैंडर्ड है जावास्क्रिप्ट में, एक न्यू स्टैंडर्ड कह रहे हैं इसको, हम कहते हैं एक्मा स्क्रिप्ट, क्या कहते हैं? और ये 2015 में वजूद में आई, तो इसको हम एक्मा स्क्रिप्ट 6 लिखते हैं और इसको हम ES6 के नाम से जानते हैं, ठीक है? अच्छा ये बेसिकली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का वेब डेवलपमेंट के अंदर स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है? इसको हम जावास्क्रिप्ट ही कहते हैं, आपने ES6 से कंफ्यूज नहीं होना कि कुछ नई चीज आ गई है। इसको हम क्या कहेंगे सादा लफ्जों में? जावास्क्रिप्ट, ठीक है? हाँ अलबत्त इसमें ज़्यादातर चीज़ें नई ऐड हो चुकी हुई हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर कुछ नई चीज़ें ऐड हो चुकी हैं, जैसे बिलफर्ज इसमें जो मैंने पीछे आपको बताया था कि एक रो फंक्शन है जिसको एरो फंक्शन कहते हैं, वो ES6 की वजह से वजूद में आया, उससे पहले नहीं था। इसके अलावा कुछ फंक्शंस हैं, जैसे अगर आपने एक फंक्शन बनाना है, जैसे अगर आप एरो फंक्शन है उसके अंदर मल्टीपल पैरामीटर करना चाह रहे हैं, जैसे ऐड है, तो आप टिपिकल नहीं लिखोगे फंक्शन, फंक्शन का नेम, पैरामीटर इस तरह नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे? फंक्शन की टाइप लिखोगे,
फंक्शन का नेम लिखोगे इज इक्वल टू करके डायरेक्ट पैरेंथेसिस में आप पैरामीटर डाल दोगे और एक ही लाइन के अंदर उसका ऑपरेशन ऑपरेटर लगा दोगे, यानी ए प्लस बी। मैं बात कर रहा हूँ इस वाली नीचे वाली, नीचे वाले फंक्शन, सिंगल पैरामीटर के बगैर भी कर सकते हैं और पैरामीटर के साथ भी कर सकते हैं। ये अभी जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद आपको आइडिया होगा। ये वही चीज़ है, फंक्शन की हमेशा बॉडी होती है, उसकी रिटर्न वैल्यू होती है। अच्छा क्लासेस, अच्छा ई एस सिक्स के अंदर जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ ऑब्जेक्ट लेवल पे बात हो रही थी, तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात बताई थी, ये अब किस में मैनेज हो रही है, ई एस सिक्स के अंदर। यानी ये आपको एक प्रोटोटाइप मिल जाता है, इसके अंदर क्लासेस बनाने का आइडिया मिल जाता है, जिसके अंदर आप नए से नए ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। और जिस तरह सी शार्प के अंदर या सी प्लस प्लस के अंदर या जावा के अंदर क्लास बेस्ड कोडिंग कर सकते हो, ई एस सिक्स के अंदर भी कर सकते हो। एक छोटा सा सिंटेक्स बताया गया है कि आप एक क्लास बनाते हो, क्लास के कंस्ट्रक्टर लिखते हो, उसके अंदर आप प्रॉपर्टीज और वैल्यूज बनाते हो, मेथड्स बनाते हो, और उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद आप उसको क्या करते हो, चलाते हो, यानी उसकी की वैल्यूज फेच करवाते हो। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर दो चीजें होती हैं, वेरिएबल्स यानी प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। क्या? प्रॉपर्टीज और फंक्शंस। और उस वक्त हमने क्लास की बात नहीं की, क्लास की बात हम ईएस सिक्स में कर रहे हैं, कि ये प्रॉपर्टीज और ये फंक्शंस अब आप रन टाइम पे ऑब्जेक्ट बना के भी सेटल कर सकते हो। क्या कहा मैंने, जिन बच्चों को समझ नहीं आई ये बहुत ही टेक्निकल जो है ना इसमें पॉइंट है, एक प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए ये लास्ट वाला लेक्चर ओपन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हो, कैसे क्रिएट करते हो, हार्ड कोडेड, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दिस वन। ये जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ना, ये क्या है, हार्ड कोडेड, मतलब आपने इसको कोड में डाल दिया, ये कोड में डाल दिया ना हमने। अब हम बाउंड है कि इसी को हम यूज करेंगे, मतलब कार डॉट टाइप है तो ये हमें फिएट मिल जाएगा। तो अब हम इससे एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं, ई एस सिक्स में हम एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं, वो क्या, कि ये ऑब्जेक्ट्स भी हमने नहीं डालने, ये ऑब्जेक्ट्स हमने कोड में नहीं डालने, हमें रन टाइम पे क्रिएट करने, बट हमेशा ऑब्जेक्ट्स किसी ना किसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। हम इसमें बजाय ऑब्जेक्ट डालने के हम इसमें क्या बनाएंगे, कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट व्हाट इज कॉन्सेप्ट, क्लास। अब आपको समझ आ गया। अब मैं दोबारा उधर जाता हूँ, ये देखिए सबसे पहले क्लास बनाई माई क्लास के नाम से, ठीक है, उसमें अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, और उसका एक हम न्यू ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, और उस ऑब्जेक्ट बनाते वक्त फिर हम उसकी की वैल्यूज डिफाइन कर रहे हैं या उसमें वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो दिस इज वेरी टिपिकली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि रन टाइम पे ही ऑब्जेक्ट बन रहे हैं, रन टाइम पे उन ऑब्जेक्ट की मेथड्स के अंदर वैल्यूज और फंक्शंस के अंदर वैल्यूज पास हो रही है और रिट्रीव हो रही है। क्योंकि अब आगे आने वाला लैंग्वेज, आगे आने वाला जो जितनी भी स्टडी है, वो सब हम डायनेमिक तरीके से ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, डायनेमिक तरीके से उनको हम डिस्प्ले कर पाए। तो जावास्क्रिप्ट से एक स्टेप हम आगे जा चुके हैं ई एस सिक्स, तो ये उसकी बात हो रही है। ये आप पढ़ चुके हो कि अरे के अंदर डिफरेंट किस्म के मेथड्स होते हैं, लेकिन ई एस सिक्स में आप उन मेथड्स को कर्ली ब्रेसेस की मदद से फेच करवा सकते हो, जिसको हम रिएक्ट के अंदर मैपिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैप, यानी बिल फर्स मैप अरे। क्या, ये कैसे काम करता है, सबसे पहले आप सिंपल जैसे जावास्क्रिप्ट में अरे बनाते थे वैसे बना लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इस पूरी अरे को ना, यानी माई अरे जो है उसको मैप आइटम में कर लो, या यहाँ पर आइटम वेरिएबल है, कोई भी आप नाम लिख सकते हो। अब जब आप उसको पैराग्राफ के अंदर आइटम पूरी का पूरा ऑब्जेक्ट पास करोगे, तो वो खुद ब खुद मल्टीपल पैराग्राफ बना देगा। समझ आ गई बात, तो ये बेसिकली मैपिंग है, मतलब वो मल्टीपल पैराग्राफ में पहले आप एप्पल आ जाएगा, फिर बनाना आ जाएगा, फिर ऑरेंज आ जाएगा, तो इस तरीके से आपके पास पहुंच गया। डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, बेसिकली जब आप कोई भी क्लास बनाते हो तो कुछ चीजें इनिशियलाइज हो जाती हैं, उनको खत्म करने के लिए आप डिस्ट्रक्ट चला देते हो ताकि वो सारी चीजें डिमोलिश हो जाए।
ये जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तो हम फिर देखेंगे कि किस तरह से हम डिस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं जिनको हम डिस्ट्रक्ट कर सकते हैं, कोई भी हम उसमें वैल्यू चेंज कर सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड वैल्यू असाइन कर सकते हैं, तो ये बेसिकली डिस्ट्रक्टर की एक एग्जांपल है। ये उसी तरह हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, उन ऑब्जेक्ट्स के आउटपुट निकाल रहे हैं हम सिंपली। अच्छा, कुछ ऑपरेटर्स हैं लाइक स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, आप अपने एलिमेंट्स को अरे की सूरत में या प्रॉपर्टीज को अरे की सूरत में निकाल कर ऑब्जेक्ट से दिखा सकते हो, यानी आप उसको सेपरेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर अगर बिलफर्ज आपने दो अरे को मर्ज किया और उसके बाद उसको सेपरेट कर दिया, तो वो क्या करेगा, एक एक एलिमेंट को लहदा लहदा करके दिखा दो। मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये एक अरे ली गई अरे वन, दूसरी अरे ली गई अरे टू। अब आपने मर्ज अरे ले ली, उन दोनों को उस अरे में डाल दिया और उसके बाद आपने क्या किया, मर्ज अरे को आउटपुट दिखा दी, तो वो क्या करेगा, सारों को एक जगह इकट्ठा करके दिखाओ, एक रो में एक एक अरे में सारी चीजें आ गई। अब हम इसको सेपरेट करेंगे, जब हम सेपरेट करेंगे तो यहाँ पे हम टू ऑब्जेक्ट्स को मर्ज कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को मर्ज कर रहे हैं, और जब मर्ज अरे को कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करेंगे तो वो उसकी की वैल्यू के साथ हमें दिखाओगे, जैसे ए के अगेंस्ट वन, बी के अगेंस्ट टू, सी के अगेंस्ट थ्री, डी के अगेंस्ट फोर, तो ये पूरे का पूरा सेपरेट होगा, यानी कंसोल डॉट लॉग में की वैल्यू सारी मर्ज हो जाती है। इसके अलावा इसमें टर्नरी ऑपरेटर्स हैं, यानी ये भी एरो फंक्शंस की तरह एक ही लाइन में इफ एल्स चल सकती है, कंडीशन डालेंगे, इफ स्टेटमेंट डालेंगे और एल्स स्टेटमेंट डाल देंगे। तो इसकी एग्जाम्पल कुछ यूं है, ये देखिए एज की वैल्यू क्या है यहाँ पर 25, और हम एक ही रो में टर्नरी ऑपरेटर कैसे लिखेंगे कि इज एडल्ट। अब एडल्ट कौन होता है जिसकी एज 18 या 18 से ऊपर हो जाए, तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि एक्सप्रेशन डालेंगे। एक्सप्रेशन हमारा इस केस में क्या है कि एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ये एक्सप्रेशन बन गया। इफ दिस, यानी जिस तरह हम इफ लिखते थे, इफ एज 18 या 18 से ज्यादा है तो एडल्ट प्रेस कर दो, एडल्ट प्रिंट कर दो, अदरवाइज माइनर प्रिंट कर दो, तो आउटपुट में क्या आएगा, एडल्ट। तो ये इफ एल्स की शॉर्टकट स्टेटमेंट है। इफ एल्स की कौन सी स्टेटमेंट है, शॉर्टकट स्टेटमेंट। थोड़ा सा मैं आपको चला के भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर, या सिक्स फोर था कि थोड़ा सा आपको आइडिया हो। देखिए अभी मेरे पास एक वेरिएबल है एज 25, और इज एडल्ट में मैं एक टर्नरी एक्सप्रेशन लगा रहा हूँ कि ये असल में किसकी तरह का है, ये इसकी तरह का है, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18 देन क्या करो जी, कंसोल डॉट लॉग कर दो एडल्ट, एल्स कंसोल डॉट लॉग कर दो माइनर। ये बात समझ आ गई, ये पूरी स्टेटमेंट अब एक लाइन में लिखी गई है, वो लाइन ये वाली है, समझ आ गई बात की, इज एडल्ट को हमने प्रिंट करना है। इज एडल्ट एक वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं कि इफ एट एज इज इक्वल टू ग्रेटर देन 18, तो तब एडल्ट इज एडल्ट में स्टोर हो जाए, अदरवाइज इज एडल्ट में माइनस स्टोर हो जाए। इसको कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर। तो आउटपुट में क्या आएगा यहाँ पर, js.html में ये देखिए एडल्ट आ रहा है ना, तो दोनों की सेम आउटपुट है बट लिखने का अंदाज मुख्तलिफ है। तो रिएक्ट के अंदर आपको ये स्टेटमेंट मिलेगी, आपने हमेशा इफ एल्स ऐसे लगानी, क्लियर या नॉट क्लियर। तो ये बेसिक सी ESX के बारे में मैंने आपको बता दिया, तो अब हसनैन साहब को मैं ये कहूँगा कि मेरी सीट पे आए और थोड़ा सा नोड जेएस और रिएक्ट जेएस का जो है ना इंस्टॉल का तरीका बच्चों को बताएं।
और एक बेसिक रिएक्ट ऐप कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। यानी मर्ज स्टैक में जो आर है, रिएक्ट का आर, उस पर हम अब काम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी क्लासें ली हैं वो रिएक्ट के आर की प्री रेक्विजिट थी, समझ आ रही है। अब हम एक्चुअली रिएक्ट के आर में, यानी मन के आर में ऐड होने जा रहे हैं। तो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से हम रिएक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और रिएक्ट का सर ने पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में बता चुके हैं कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। रिएक्ट बेसिकली जावास्क्रिप्ट एक लाइब्रेरी है, एक्सटेंड फॉर्म कह लें, लाइब्रेरी कह रहे हैं, ठीक है। और सेम काम इसमें जावास्क्रिप्ट, मोस्टली काम इसमें जावास्क्रिप्ट की तरह होना है, और थोड़ा सा काम हम कंपोनेंट बेस पे करेंगे। अब इसके कंपोनेंट कैसे बनते हैं ये भी सारा बताया जाएगा आपको इनिशियल से लेके। सबसे पहले रिएक्ट 2011 में फेसबुक ने यूज़ की थी, ठीक है। उसका एक था सॉफ्टवेयर इंजीनियर जोर्डन वाक, उसने ये रिएक्ट बनाई थी। और फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे ये फेसबुक ने यूज़ की थी न्यूज़ फीड्स के लिए। उसके बाद 2013 में इसको पब्लिकली इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था कि ताकि पब्लिक भी इसको यूज़ कर सके। और इस वक्त ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्सटेंड फॉर्म है, ठीक है। आज से हम रिएक्ट पे काम का स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अपना जो इसमें जो हमारा ये फोल्डर है, इसमें एक फोल्डर बना लेते हैं रिएक्ट का। सबका नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है ना? इसको हम वीएस कोड से अपने एक्सेस कर लेते हैं। अच्छा, ये हमने बिल्कुल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको गौर से देखना है, इसकी कमांड्स वगैरह देखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमने अपना सीएमडी ओपन करना है। जैसे मैंने आपको नोड जेएस इंस्टॉल करवाया, हम देख रहे थे इस पीसी में भी नोड जेएस इंस्टॉल है कि नहीं है। सीएमडी ओपन किया, चेक किया, नोड हाइफन वी, वो कह रहा है कि इसमें नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है, रिकोगनाइज नहीं कर रहा उसको। तो हम क्या फर्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, नोड जेएस को इंस्टॉल कर लेंगे। हम अपने ब्राउजर पे आते हैं। जिन लोगों का अभी तक नोड जेएस इंस्टॉल नहीं है वो भी ये स्टेप गौर से देख लें और घर जाके अपना नोड जेएस इंस्टॉल कर लें। इधर से हमने क्या करना है, प्री बिल्ट इंस्टॉलर, इधर जाके हमने ये नोड जेएस को डाउनलोड कर लेना। ये हमारा डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। हो गया, इस पे क्लिक करेंगे। इस तरह से नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको इंस्टॉल कर लें, ठीक है।
पाइथन रिएक्ट जीएस की है रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले आपके पीसी में नोड जीएस और एनपीएम इंस्टॉल होना चाहिए, नहीं तो रिएक्ट नहीं काम करेगा। ठीक है, ये हमने नोड जीएस इंस्टॉल कर लिया, एंटर एंटर। ठीक है, इसने पावर शेल ओपन कर लिया। ठीक है, चाहे तो हम इस पर भी अपनी कमांड यूज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे सीएमडी के ऊपर अपनी कमांड्स यूज करेंगे। इधर सबसे पहले हमने क्या इंस्टॉल तो कर लिया, अब देखना कि सही तरीके से हमारा इंस्टॉल हो चुका है नोड जीएस और एनपीएम। तो उसके लिए इसका मेथड क्या है, हम इधर करेंगे नोड हाइफन वी। तो ये देखिए उसने हमारा वर्जन बता दिया 20.15.0। उसी तरह एनपीएम हाइफन वी, तो उसने उसका भी वर्जन हमें बता दिया 10.7.0। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा नोड जेएस इंस्टॉल हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम अपने जाके रिएक्ट ऐप बनाने जा रहे हैं। हमने इधर से क्या कर रहे हैं, एमपीएम का वर्जन बता रहा तो वो आपका इंस्टॉल नहीं सही से हुआ। अच्छा, इधर से हमने जाना है, वैसे तो टर्मिनल की इधर से ऑप्शन आ रही होती है इधर, अगर नहीं नहीं भी आ रही हो तो हमने क्या करना है इधर से न्यू टर्मिनल ओपन कर लेना। ठीक है, और ये देखिए हमारा ये बताएगा कि हमारा पूरी डायरेक्टरी बता रहा है कि हमारे मास्टर के फोल्डर के अंदर हम रिएक्ट के फोल्डर के अंदर मौजूद है। ये पाथ चेक कर लेना, इसी पाथ के ऊपर हमने क्या करना है अपनी रिएक्ट को इंस्टॉल करना है। ठीक है, हम सबसे पहले कमांड क्या लिखने जा रहे हैं, एम एन पी एक्स क्रिएट हाइफन रिएक्ट हाइफन ऐप। ठीक है, और उसके बाद हमने कोई भी जो अपने ऐप का नेम रखना है वो हमने लिखेंगे इधर, माई ऐप फर्ज करने लिख लेते हैं। ठीक है, ये हमने करके एंटर प्रेस कर देना। अच्छा, ये कुछ एरर दे रहा है, अच्छा इसको दूसरे मेथड से कर लेते हैं अपने फोल्डर में जाके। हाँ जी, एक बार इधर से जाके हम CMD ओपन कर लेते हैं। एंड ये प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे तो कॉपी करें पूरी सिर्फ वो पार्ट कॉपी करें ना तो बॉडी में इंपॉर्टेंट है तो देखना इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है सिंपल एमपीएम छोड़ दें एमपीएम छोड़ दें बॉडी से करेंगे सारा कॉपी करके क्या बात है इसके अंदर इश्यूज आ सकते हैं लेकिन बड़ी बात आ रही है कि आप लोग इस तरह से रिजॉल्व कर लें तो स्ट्रेटजी में जाए डायरेक्टली में जाए किसी भी डायरेक्टरी
फोल्डर में जाए, किसी भी फोल्डर में जाए, वो फिर फाइल्स में आ जाए, फाइल्स लाने में उसमें चलिए वेब डिस्क पर फोल्डर में आ जाए, मैं विंडो विंडो डी प्लस कर, विंडो डी चलिए किसी भी फोल्डर में चलिए, किसी भी फोल्डर में चलिए, ऊपर ऊपर एड्रेस बार में पेस्ट कर दीजिए, पेस्ट कर सारा सेट पेस्ट कर, एंटर कर दो, यहाँ पे एंट्री टू फोल्डर है पीएनजी फोल्डर, राइट क्लिक पीएनजी फोल्डर एमपीएनजी, ठीक है कुछ ना बोलिए सर, एंटर करिए वहाँ से, एंटर दोबारा चला सीएमडी पे आ गए, तो यहाँ पे नहीं जो सीएमडी ओपन थी, यहाँ पे हमारा प्लेस अपैरो अपैरो प्रेस करें, अपैरो ओके टू प्रोसीड, अच्छा यहाँ पे होता क्या है कि इसकी लाइब्रेरी सॉल्व दो पैकेज यानी जितने भी पैकेजेस हैं उसकी मैनेजमेंट तो उसको फोल्डर नहीं निकलता है, लेकिन वहाँ पे सारे सॉफ्टवेयर या सारे पैकेजेस में मालूम होते हैं, बस मालूम है कुछ ही एमपी के लिए अच्छा, ये इशू कई पीसेस में आ सकता है, कई में नहीं आएगा, कई में स्मूथली चल जाएगा जिसका एनवायरनमेंट वेरिएबल वगैरह सेट होंगे, और किसी का नहीं एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट तो फिर इस तरह के इश्यूज आ सकते हैं, फिर थोड़ी बहुत सेटिंग हमें करनी पड़ेगी उसमें। सबने ट्राई करना है, अगर किसी का इशू ना लग रहा ना आए लेकिन आ जाए तो फिर आपको उसको सेट करना पड़ेगा। ये हमारा देखे, अब ये हैप्पी हैकिंग का मैसेज आ गया, इसका मतलब कि हमारी रिएक्ट ऐप हमारी बन चुकी है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या है, को कह रहे हैं कि सीडी करके चेंज डायरेक्टरी करके हमें क्या करना है, रिएक्ट ऐप के फोल्डर में जाना है। तो ये क्या तो आप सीडी करके बाइक करेंगे तो आप उस फोल्डर में हाँ जाएंगे, जी, ये हम फोल्डर में जाएंगे ये फोल्डर में गए तो ये आप हमारे पास में ये सीडी माई ऐप इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको रन करने का तरीका क्या है कि ये एमपीएम इंस्टॉल करें, एमपीएम स्टार्ट से करेंगे तो हमारी रिएक्ट ऐप स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, ये कि अभी हुआ क्या, हमें समझ में आइए पॉइंट परफेक्ट समझ में आ कि पूरे स्टेज में पूरे स्टेप में कि किया क्या हुआ क्या, देखो हम ये इतना समझ लो मोबाइल एप्लीकेशन का क्या प्रॉब्लम आ रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन अच्छा रिलेट से हम मोबाइल एप्लीकेशन को बना सकते हैं, रिलेट नेटिव से मोबाइल एप्लीकेशन, रिएक्ट जेएस से हम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते, बट अभी आप नहीं कर सकते हमने कि हम वेब बेस्ड ऐप बना रहे हैं, मोबाइल में बना रहे हैं क्या बना रहे हैं, वेब बेस्ड ऐप, ये जो वेब बेस्ड ऐप है ना इसका एक एड्रेस हमें मिला लोकल होस्ट 3000, तो मैंने ये ऐप बन दिया, इस ऐप को कुछ साइज में चाहिए कुछ इंटरनेंस में कुछ कॉम्पोनेंट डाले हैं जिसमें हमने टेबल्स ग्रिड्स वगैरह सारी चीज़ें डाले, लेकिन इसके लिए स्टेप्स क्या थे, इसके लिए स्टेप मैंने बताया मन मन में एन ई आर एन चार चीज आ रही, तो सबसे पहले हमने एन का नोड जेएस, नोड जेएस को मैंने क्या किया, नोड जेएस को मैंने डाउनलोड किया, इसका सेटअप रन किया, नोड जेएस को चालू किया, नोड जेएस से दो चीज है एक नोड जेएस मिला और दूसरा टाइप में एक नोड टाइप मैंने किया,
इन दोनों के वर्जन चेक किए, एक का 20 वर्जन आया और एक का 10 वर्जन, इसका मुझे लगा था अब हमें नोड जेएस को यूज करते हुए हमेशा मतलब पेज मोबाइल ऐप या वेब ऐप बनाए, इसलिए जाने हमने कौन सा कमाल चलाई किया है, क्रिएट 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 एनपीएक्स, हाँ एनपीएक्स एनपीएक्स क्रिएट क्रिएट ऐप। अभी एक प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट क्या, उसने कहा कि जी डिपॉजिट कहाँ पे रखनी है, मुझे वो फोल्डर नहीं मिलता, उसने फोल्डर को बेसिकली एनपीएक्स के अंदर ढूंढा, वो एनपीएक्स फोल्डर नहीं था, वहाँ पे जाकर उसने खाली एनपीएक्स का फोल्डर बनाया, वो सारी ऐप जो लाइब्रेरीज थी जो पैकेजेस थे ग्लोबल सामान पूछा रहा है वो सारे उस फोल्डर में उससे पहले जमा किए अपने रिसोर्सेज, और तो रिसोर्सेज की मदद से उससे सारे पैकेजेस और आउटसोर्स करने के बाद हैप्पी हैकिंग आपको कैसे देखते हैं, हैप्पी हैकिंग का मतलब जो होता है कि अब आप उस डायरेक्टरी में जाए फोल्डर में रहेंगे ना, तो मैं आपको वो डायरेक्टरी दिखाता हूँ जो हमारे प्रोजेक्ट का फोल्डर है, प्रोजेक्ट हाँ रिएक्ट 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 वाले में आते अभी अच्छा ये देखिए रिएक्ट में अभी हमारे पास एक बन गया माई ऐप, कि जो माई ऐप है ना ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है, हमने माई ऐप के अंदर आज ही टेस्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तो एनपीएम स्टार्ट हमने किया था ना पीछे, तो वो हमने उससे पहले माई ऐप में हम आए थे और उसके बाद हमने वो स्टार्ट किया था, तो वो हमने स्टार्ट कर दिया। तो अब इसके अंदर देखें आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर माई ऐप के अंदर आपको नोड मॉड्यूल्स की डायरेक्टली मिल रही है, फिर आपको स्टैंड बताया कि अच्छा बस इसमें ये नोड मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। नोड मॉड्यूल में बेसिकली हमारे सारे पैकेजेस हैं जो हमने नोड को इंस्टॉल करते हुए किया था ना, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं। ये उसने ऑटोमेटिकली जब हमने नोड इंस्टॉल किया है तो सारे इसमें पैकेजेस हमारे आ चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद है ये जेसन पैकेजेस, इसमें बेसिकली हमारे रिएक्ट वगैरह के बताया गया कि वर्जन कौन सा है, रिएक्ट डॉम कौन सा इंस्टॉल किया है, इससे भी हमारा कंसर्न नहीं है अभी फिलहाल। जो बेसिक है जब हम काम करने जा रहे हैं इसमें भी, और इसमें पैकेजेस है, इसमें हमारे बिल्डर्स वगैरह पड़े हैं, पैकेजेस वगैरह के बिल्डर्स वगैरह पड़े हैं, इससे भी हमारा कोई कंसर्न नहीं है इस वक्त। ये हम इसमें बाद में काम करेंगे, जब काम करेंगे इसको बता दीजिएगा, लेकिन अभी हमारे ये काम की फाइल्स नहीं है। इसके बाद ये गिट इग्नोर है, जिसका भी बाद में यूज होगा कि जब हम कोई चीज मतलब हम गिट पे पुल पुश कर रहे हैं, अभी आपको गिट का भी शायद आइडिया ना हो, तो उसमें कुछ चीज हमें इग्नोर करना चाह रहे हैं, हर चीज हमारे गिट की रिपोजिटरी पे नहीं रखना चाहते, तो उसको इस फोल्डर में रख देंगे ताकि इसको गिट इग्नोर कर दें। और रीडमी डॉट एम डी फाइल ऐसी फाइल है कि जो हम फर्ज करें कि कोई हमने प्रोजेक्ट बनाया ना, तो उससे रेलिवेंट हमने डिटेल लिखना चाह रहे हैं कि ताकि कोई हमारा नया कोई और डेवलपर हमारे प्रोजेक्ट को रीड करना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाए, हमारे इधर से हमारी प्रोजेक्ट से रेलिवेंट सारी डिटेल पढ़ ले, उसको हमारे प्रोजेक्ट से फ्लो का सारा आइडिया हो जाए, इसलिए फाइल होती है कि इसमें हम डिटेल वगैरह लिखते हैं, ठीक है। अब बेसिक जो हमारा कंसर्न है, हमारे लिए काम की फाइलें सिर्फ दो, एक पब्लिक और एक एस आर सी। अब पब्लिक में भी हमारे पास सिर्फ तीन फाइलें हैं, पब्लिक और एस आर सी में, गौर से इनको देख लीजिएगा, ठीक है। एक है हमने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, दूसरा एस आर सी में आए इंडेक्स डॉट एप डॉट जे एस, और तीसरी है इंडेक्स डॉट जे एक्स। कितनी फाइल्स होगी, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट जे एस और ऐप डॉट जे एस। अब इनका काम क्या है, इन्हीं तीन फाइल्स में हमने रहते हुए मैक्सिमम अपना सारा काम करना है, ठीक है। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल क्या फाइल, कौन सी फाइल है जो हमारे यू आई मतलब यूजर इंटरफेस शो करवाएगी, जो हमें फर्ज करें ये शो हो रहा है ना, यूजर इंटरफेस है, ये किसकी मदद से शो हो रहा है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की मदद से। लेकिन इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में इसका कोड नहीं पड़ा हुआ, ये सिर्फ कोड को रेंडर करवा रही है, कोड हमारा पड़ा हुआ है कंपोनेंट में ऐड डॉट जे एस। अभी हमने कंपोनेंट बेस में बात बात की थी कि हम इसमें कंपोनेंट बेस काम करेंगे, तो इसमें हमारा कंपोनेंट कौन सा है, ऐड डॉट जे एस, ठीक है। और जो भी हमें सारा इधर कोड जो शो हो रहा है ना, ये सारा ऐड डॉट जे एस में पड़ा हुआ है। फर्ज करें कि हमारे एक ये लोगो मूव कर रहा है, वो किधर पड़ा हुआ है, एक उन्हें क्लास बनाई और इधर से जाके इमेजेस डॉट लोगो इसको इम्पोर्ट किया हुआ, ये लोगो कोड पड़ा हुआ है जो हमें इधर ये मूविंग में शो हो रहा है। उसके अलावा हमारा ये दूसरा सेकंड लाइन क्या है, एडिट ऐप, ये सारा ठीक है, ये लाइन लिखी हुई है, ये किधर लिखी हुई है, ये लिखी हुई है। और थर्ड पे जो हमारा ये है लर्न रिएक्ट ऐप, इसका लिंक ये पड़ा हुआ है, ये पूरा एक लिंक बना के उसने एंकर टैग के अंदर लिंक लगाते रहे ना एचटीएमएल में, ये सेम वही उसने लिंक लगाया हुआ है।
थोड़ा कोड डिफरेंट हो सकता है लेकिन सारा काम वही है। उसने फिर क्या किया कि हमने ये क्या किया कि एक हमने फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाया, ये कंपोनेंट है और ये फंक्शन है, फंक्शनल बेस कंपोनेंट बनाया ऐप के नाम से, ठीक है। उसको हमने क्या कर दिया, फर्दर एक्सपोर्ट कर दिया कि ताकि हम इसको कहीं और भी इम्पोर्ट करके यूज कर सकें। उसका क्या कर दिया, ऐप के नाम को, फंक्शन के नेम को हमने एक्सपोर्ट कर दिया। फिर हम इसको इम्पोर्ट कहाँ पे कर रहे हैं, इंडेक्स डॉट जेएस में। इधर हमने क्या किया, ऐप का जो हमने एक्सपोर्ट किया था, ऐप फ्रॉम किस फोल्डर से, किस कंपोनेंट से, इधर से, इस फोल्डर से, ठीक है। इधर ऐसे करके इम्पोर्ट कर लिया और बाद में हमने इसको क्या कर दिया, इधर रेंडर कर दिया। अब ये सवाल ये पैदा होता है कि इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में कैसे जाएगा, मूव करेगा। तो जैसे हम जावास्क्रिप्ट में यूज कर रहे थे कि जैसे सर ने आपको बड़ी डिटेल में बताया कि जैसे हम रिएक्ट से आईडीज लेके या एचटीएमएल के आईडीज हम उसमें रिएक्ट उसमें जावास्क्रिप्ट में यूज करते हैं, इसी तरह हम बिल्कुल उसको रेंडर करेंगे कि ये हमारी एक आईडी पड़ी है, ये आईडी का सिर्फ यूज है, ठीक है। इस आईडी को हमने क्या किया, गेट किया। कैसे गेट करते हैं, जैसे जावास्क्रिप्ट में करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्योंकि जब भी हमारे कोई भी हमारे कंपोनेंट का कोड रेंडर होकर इधर आएगा, वो आईडी के थ्रू इस फाइल में जाके हमें इधर चला जाएगा और इधर से हमें ये शो होगा। ये भी वन टाइम सिर्फ काम है, इसको हमें छेड़ना नहीं, जैसे है वैसे ही रहने देना इसको। वैसे ये फ्लो समझाने के लिए इसका बताया गया, काम हमारा मोस्टली हम इसमें और इसमें करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही ये फर्ज करें कि हमने ये सारा कोड जोन सा है इसको खत्म कर लेते हैं, और इधर कर लेते हैं H1। अब ये देखें जो हमने सारा कोड रिमूव किया वो सारा गायब हो चुका है और हमारा इधर हेडिंग लिखा हुआ आ गया, क्लियर। इसी तरह हम जैस अब ये देखें इसमें एक कंसेप्ट है JSX। पिछले लेक्चर्स में आपने देखा था कि जब हम यूज कर रहे थे जावास्क्रिप्ट को और एचटीएमएल को, तो हम एचटीएमएल को कोड जावास्क्रिप्ट में नहीं थे लिख पा रहे। अगर हमने जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है तो हम क्या करते थे कि स्क्रिप्ट टैग के अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड यूज करते थे। लेकिन जो इधर जावा JSX है, जावास्क्रिप्ट XML, वो क्या काम कर रहा है, हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एचटीएमएल लिखने की सहूलत दे रहा है, ठीक है। कि जैसे बिल्कुल हमने क्या किया, एचटीएमएल कोड इसमें लिखा जावास्क्रिप्ट के फंक्शन के अंदर, हालांकि ऐसा पॉसिबल नहीं है जावास्क्रिप्ट के अंदर, लेकिन हम क्या करें, फंक्शन के अंदर हम एचटीएमएल का कोड लिख रहे हैं और वो सेम टू सेम वही हमें आउटपुट शो करवा रहा है जो एचटीएमएल में शो करवाता है, ठीक है। इसी तरह हम अगर कोई पैरा का टैग लिख लेते हैं, इधर ये देखें सेम टू सेम वैसे ही शो हो रहा है, ठीक है। और इधर ये कि हमें सिर्फ उधर से हमें सेव करना है, इधर आके रिलोड करने की हमें जरूरत नहीं है। उसके अलावा है इसमें कंपोनेंट से एक और बना के देख लेते हैं। फर्ज करेंगे ये तो एक प्री बिल्ड कंपोनेंट था, उसका हमने कोड रिमूव किया तो ये हमारे चल रहा है। हम इधर से SRC में जाते हैं, एक और कंपोनेंट न्यू फाइल बनाते हैं और उसमें हम कह देते हैं कि माई कंपोनेंट कह लेते हैं, यहाँ सिर्फ कंपोनेंट माई कंपोनेंट कह लेते हैं, और इसका नेमिंग कन्वेंशन का हिसाब रखना है कि फर्स्ट जो लेटर है कैपिटल में हो, ठीक है। माई ये देखिए जितने भी है सारे कैपिटल में है फर्स्ट में, ठीक है ठीक है, ये हमने नाम रख लिया। इसके बाद सर इसके एक्सटेंशन में डॉट JSX रखेंगे, ठीक है। अब इधर जाते हैं हम एक ES, अब ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है, इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये क्या करेगी कि हमारा कोड लिखना आसान कर देगी, जो हमने बहुत ज्यादा लाइन का कोड हमने खुद से को फंक्शन बनाना है,
उसको रिएक्ट इंपोर्ट करनी है या उसको एक्सपोर्ट करना है, तो ये काम हमारे चुटकियों में कर देगी ये एक्सटेंशन, ठीक है। इस तरह की और भी काफी सारी एक्सटेंशन, वो भी आपको वक्त के साथ साथ बता दी जाएंगी, ठीक है। ये इंस्टॉल हमारी हो चुकी है, इसको किया हमने कैंसिल, और हम इधर क्या करते हैं, RFC एंटर प्रेस किया, और उसने क्या किया कि हमारे इस कंपोनेंट के अंदर रिएक्ट को इंपोर्ट भी कर दिया और ये हमारे एक फंक्शन बना दिया और साथ में उसको एक्सपोर्ट भी कर दिया फंक्शन को, ठीक हो गया। अब इसी तरह इसमें हम कुछ काम करने जा रहे हैं, हम इसमें लिखते हैं क्या है, H1 ठीक है, ये हमने कुछ कोड लिख लिया, ठीक है, एक हेडिंग लिखी, इसको सेव किया, लेकिन ये अभी चलेगा नहीं क्योंकि इस वक्त हमारे जो index.js में है उसने लोड किया हुआ है app.js को, वो सिर्फ इसको चला रहा है, इसको नहीं चलाएगा। क्यों नहीं चलाएगा, क्योंकि अभी हमने index.js में ऐप तो इंपोर्ट है लेकिन हमारा माई कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं है, तो उसको कैसे इंपोर्ट करेंगे, इधर गए और इंपोर्ट कंपोनेंट का नेम, फंक्शन कंपोनेंट का नेम फ्रॉम, और सेम एज इट इज जैसे ये लिखा हुआ ऊपर वाला, कि कौन सा इस फंक्शन से, इस फाइल से हमने करना है, तो ये फाइल का नेम आ रहा है, ठीक है, इसको इंपोर्ट कर दे, लेकिन अभी भी ये नहीं चल रहा। हम ऊपर वाले को क्या करेंगे, इस एक टाइम पे ये एक चलाता है, एक कंपोनेंट को चलाएगा, ऊपर वाले को हम क्या कर देते हैं, कमेंट कर देंगे, और इधर भी आके हमने क्या करना है, इसको भी कमेंट करके इस कंपोनेंट को क्या करेंगे, माय कंपोनेंट, ठीक है। अब कंट्रोल सेव करते हैं, अब ये हमारा ये कंपोनेंट रन होगा, ठीक है, ये देखिए दिस इज माय हेड, दिस इज हेडिंग आ गया, अब वो क्या माय ऐप वाला बंद हो चुका है ऐप कंपोनेंट, और ये हमारा दूसरा कंपोनेंट चल चुका है। कंपोनेंट बनाने का तरीका आ गया, फर्ज करेंगे अब इस कंपोनेंट में हम एक से ज्यादा जो है पैरा में लिखूंगा, तो ये क्या कह रहा है, एरर दे रहा, एक मिनट में सर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, ये एरर दे रहा। अब क्या क्या कहता है कि वो एक से ज्यादा इसमें हेडिंग या पैराग्राफ कोई भी कंपोनेंट्स को ऐड नहीं कर सकता, तो उसके लिए के दो मेथड्स होते हैं, एक तो सारा काम जो हमने क्या करना है वो डिव्स में करना है, तो तब ये एरर रिमूव होगा, ठीक है, सॉरी ये देखिए रिमूव हो चुका, और हमारे वो एक से ज्यादा शो होना शुरू हो गए, ठीक है। अब इसका दूसरा मेथड भी यही है कि अगर हेडिंग अगर डिव नहीं लिखना चाह रहे तो सिंपल ये एंगल ब्रैकेट्स को करेंगे तो फिर भी ये काम कर जाएगा, ठीक है, डिव या एंगल ब्रैकेट्स, ओके क्लियर है। थैंक यू सैम। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव सेशन किया जिसमें सारी चीज़ें गो थ्रू की, और रिएक्ट को हमने बेसिकली आज प्रॉपर शुरू किया है रिएक्ट को। उसके लिए हम लोगों ने नोड जेएस इंस्टॉल करना सीखा, उसके बाद हमने इसके npm पैकेजेस को देखे कि किस तरह से वो डिप्लॉय होते हैं, और एक रिएक्ट ऐप कैसे हमने बनाई, और रिएक्ट ऐप का जो बेसिक जो इसका फ्रेमवर्क था उसको हमने कैसे अपग्रेड किया, और उसके अंदर आपने देख लिया इसको। मैं थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए अब तक जो हमने वेब बेस्ड के ऊपर जो HTML CSS JavaScript पढ़ी थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंबाइन हो गई, यहाँ के इसमें CSS भी है, इसमें JavaScript भी है, इसमें HTML भी है, और इसमें JavaScript भी है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सी एक चीज़ ऐड करूँगा कि ये आपका ये वाला जो है ना, ये वेब पेज बेसिकली ये वेब पेज लोड होता है, और इस वेब पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट आपको इस आईडी के इनर एचटीएमएल में कंटेंट डालता है। यहाँ से कहानी शुरू करनी है समझने के लिए, तो ये जो रूट है बेसिकली यहाँ पे ये बताया गया है ऐप डॉट जेएस में,
इंडेक्स डॉट जे एस में कि रूट के अंदर ये देखें, ये जो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी रूट है वो यहाँ से पिक करा है बेसिकली, कि इस रूट में क्या करो, रेंडर कर दो, रूट डॉट रेंडर, यानी एक ऑब्जेक्ट बनाया रूट का और उसके अंदर रेंडर कर दो। अब ये जो हम रेंडर कर रहे हैं यहाँ पर, हम अपने मल्टीपल कंपोनेंट्स, अभी तो इन्होंने एक ही है ना, यहाँ पर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हम रेंडर कर सकते हैं, जैसे ऐप का कंपोनेंट और माई कंपोनेंट, ये दोनों रेंडर कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें मेन जो ऑपरेटर है वो इंडेक्स जे एस है, जो सारों को हैंडल कर रहा है, मतलब ये अपने सब जे एस फाइलों को भी ले रहा है और यहाँ पर वो चीज़ें इम्पोर्ट कर रहा है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आप ये माई कंपोनेंट इम्पोर्ट हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं से एक्सपोर्ट हो रहा होगा, ये देखिए ये एक्सपोर्ट हो रहा है। इसी तरह अगर ऐप है यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है तो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हो, मल्टीपल आप इंपोर्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे आप रूट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स भी इंपोर्ट कर सकते हो, ये हो जाते हैं ना मल्टीपल कंपोनेंट्स। ठीक है, वो नेक्स्ट एडवांस कॉन्सेप्ट है, और वो सारा कुछ इकट्ठा होकर यहाँ पर ये रूट के अंदर हैंडल हो रहा है। तो ये एक ओवरऑल कहानी थी इस पूरे रिएक्ट ऐप को चलाने के लिए। तो एक असाइनमेंट मैं देने जा रहा हूँ रिएक्ट ऐप से रिलेटेड, ये इसको थोड़ा सा आप लोगों ने करना है। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 6। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है कि स्क्रीनशॉट भेजनी, पूरा प्रोजेक्ट नहीं भेजना, ठीक है, क्योंकि वो कॉन्फ़िगर करना और इस तरह के मसले मसाइल से बचने के लिए आप एक स्क्रीनशॉट भेज दोगे। तो इसकी असाइनमेंट भी मंडे तक है, ठीक है, नहीं नेक्स्ट लेसन में हमने इसी को तो बेस बना के आगे चलना है। बेसिक सा स्टेप है जो भी हमने किया 15-20 मिनट में, ये वही काम आपने करके मॉडिफाई करके मुझे भेज देना, इसमें इतना डिले करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपको 2 असाइनमेंट्स मिले हैं, इनको अच्छे तरीके से आपने करके लाओ। टुडेज लेक्चर इज नाउ एंड अप, कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बता दें, ऑनलाइन बच्चों से भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। चलें, थैंक यू सो मच।